तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त क्यूबरनेटीज के इस क्रैश कोर्स में। तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पे, जिसमें आप लोग को मस्त मस्त थ्योरी बताई जाती है, प्रैक्टिकल बहुत ही कम बताया जाता है। इस वीडियो में आप लोग को मैं थ्योरी तो बताऊंगा जितनी जरूरी है, उसके साथ साथ चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जिससे हम लोग क्यूबरनेटीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स मान एप्लीकेशन क्यूबरनेटीज क्लस्टर पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो रिएक्ट एप्लीकेशन को एक सेपरेट पॉड में चलाएंगे, नोड जेस एप्लीकेशन को सेपरेट पॉड में चलाएंगे, मोंगो डेटाबेस को सेपरेट पॉड में चलाएंगे, एंड देखेंगे कि ये तीनों पॉड एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हम लोग एकदम स्क्रैच से चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्यों क्यूबरनेटीज हम लोग को चाहिए ऑन द फर्स्ट प्लेस, कैसे लोकल मशीन पे क्यूबरनेटीज एनवायरमेंट हम लोग को सेटअप करना है, क्यों मिनी क्यूब नहीं यूज करना है, पॉड्स, सर्विसेस, क्यूबरनेटीज नेटवर्किंग, वॉल्यूम्स, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी इस वीडियो में मैंने कवर की हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्यूबरनेटीज के चैंपियन बन जाओ। मेरा नाम है मुकेश, चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों क्यूबरनेटीज ऑन द फर्स्ट प्लेस हम लोग को सीखना है। ऑलराइट, सपोज आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन बनाया, अब आपको उसको डिप्लॉय करना है, तो आप किसी वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉय करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय करते हो। सो देर आर सम प्रॉब्लम्स, हो सकता है जो आपका एप्लीकेशन है जो कंटेनर के अंदर चल रहा है वो कंटेनर ही शट डाउन हो जाए, तो यूजर आपके एप्लीकेशन को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो मैन्युअली आपको कुर्सी पे बैठ के देखना पड़ेगा कि भाई मेरा कंटेनर चल रहा है क्या, अगर क्रैश हो जाता है तो मेरे को रीस्टार्ट करना है। तो मैन्युअली कुर्सी पे बैठ के आप लोग को ये चीज देखनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन में ट्रैफिक आ रहा है और आप बहुत पैसे छाप रहे हो, और आप अचानक से आपका एप्लीकेशन यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन में ट्रैफिक आ रहा है, तो आपका एप्लीकेशन स्लो हो रहा है, तो उस केस में आप लोग को मल्टीपल कंटेनर के इंस्टेंसेस स्पिन अप करना पड़ेंगे, तो ये भी आपको मैन्युअली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है। और अगर आपके एप्लीकेशन में ट्रैफिक आ रहा है तो इवनली भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कंटेनर्स के अक्रॉस, तो ये भी आप लोग को मैन्युअली करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है, इट्स पेन इन द एस। तो ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज क्यूबरनेटीज। ऑलराइट, तो क्यूबरनेटीज हम लोग को फीचर्स देता है, फॉर एग्जांपल सेल्फ हीलिंग। इससे क्या होगा, अगर आपका कंटेनर क्रैश हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नया कंटेनर स्पिनअप हो जाएगा या वो कंटेनर रिप्लेस हो जाएगा। एंड अगेन ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली क्यूबरनेटीज मल्टीपल कंटेनर के इंस्टेंसेस स्पिनअप कर देगा। एंड देन अगेन अगर लोड हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है इवनली अक्रॉस द कंटेनर, तो हमारे पास लोड समथिंग कॉल्ड एज लोड बैलेंसर होता है, जिसका यूज करके हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ फीचर्स क्यूबरनेटीज के बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आप लोग और डिटेल में क्यूबरनेटीज पे जाके, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हो, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट की है। अच्छा, अब दूसरा सवाल हमारे माइंड में आएगा कि भाई क्या क्यूबरनेटीज ही अकेला है क्या मार्केट में जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? नहीं, इसके अलावा हमारे पास है समथिंग कॉल्ड एज डॉकर स्वॉर्म, वो भी ये सारी चीजें हम लोग को प्रोवाइड करता है। बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्यूबरनेटीज बहुत टाइम से मार्केट में रहा है और वो मैच्योर हो चुका है, एंड इट इज बैक्ड बाय गूगल, तो उसकी बहुत बड़ी ओपन सोर्स कम्युनिटी है। तो मैंने इंडस्ट्रीज में देखा है कि लोग क्यूबरनेटीज प्रिफर करते हैं ज्यादा डॉकर स्वाम के कंपैरिजन में। अब एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में सीख सकते हैं, बट क्यूबरनेटीज ज्यादा पॉपुलर है इसलिए हम लोग वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मेरे को हाईलाइट करनी है, वो ये है कि हमारे पास आज की डेट में सर्विसेस हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो आपको क्यूबरनेटीज नहीं सीखना है। तो सर्विसेस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी हैव समथिंग कॉल्ड एज AWS ECS। AWS ECS यूज करके भी हम लोग ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्यूबरनेटीज सीखना ही नहीं है। बट देन अगर आप ये सर्विसेज यूज करते हो तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि भाई मैं अपना एप्लीकेशन AWS ECS पे ही डिप्लॉय करूंगा, क्योंकि आप AWS ECS पे डिप्लॉय करोगे तो आपको AWS जिस तरीके से चीजों को कॉन्फ़िगर करना चाहता है वो आपको सीखनी पड़ेगी। बट आप अपने आप को क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को क्यों लॉक कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट रहो, आप अपने एप्लीकेशन को इस तरीके से बनाओ कि आप अपने एप्लीकेशन को जहां मर्जी डिप्लॉय कर सकते हो, ना केवल AWS पे, आप Azure पे डिप्लॉय कर सकते हो या गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हो, कहीं पे भी आप डिप्लॉय कर सको, आपको अपने आप को एप्लीकेशन को इस तरीके से बिल्ड करना है। ऑलराइट, इंडिपेंडेंट होना है। यस, सो ये
कुछ बातें हम लोगों ने क्यूबरनेटिस के बारे में एंड क्यों क्यूबरनेटिस सीखना चाहिए। ऑल राइट देन, सो क्यूबरनेटिस में डाइव करने से पहले हम लोग को कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो समझने पड़ेंगे। तो मैंने बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है इन थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए। ऑल राइट, चलो समझते हैं। तो डॉकर के वीडियो से हम लोग जानते हैं कि हमारा एप्लीकेशन एक कंटेनर के अंदर चलता था, है ना। अब क्यूबरनेटिस में थोड़ी और कंपोनेंट्स आ गए। सबसे पहले होता है हमारे पास नोड। नोड एक वर्चुअल मशीन या एक कंप्यूटर है जिसके पास कुछ सीपीयू और रैम है जो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। अब उस नोड के अंदर होता है पॉड, इसको वर्कर नोड भी बोलते हैं या सिंपल नोड भी बोलते हैं। अब उस नोड के अंदर होता है पॉड। पॉड कुछ नहीं है, पॉड एक एम्प्टी स्पेस की तरह समझ लो। पॉड एक सिंपल रैपर है कंटेनर के अराउंड, और इस पॉड जो एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर हमारा चलता है कंटेनर। ऑलराइट, तो नोड के अंदर डायरेक्टली कंटेनर नहीं चलता है, नोड के अंदर होता है पॉड और पॉड के अंदर चलता है हमारा कंटेनर। अच्छा, अब एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर भी हो सकते हैं, बट यूजुअली हम लोग एक ही कंटेनर चलाते हैं। सपोज आपके पास दो एप्लीकेशन है, एक है आपके पास रिएक्ट एप्लीकेशन और एक है आपके पास नोड एप्लीकेशन। तो दोनों एप्लीकेशन को आप एक पॉड के अंदर नहीं चलाओगे। ऐसा होगा क्या कि अगर आपका पॉड शटडाउन होता है, एक पॉड शटडाउन होता है तो दोनों एप्लीकेशन शटडाउन हो जाएंगे, आपका रिएक्ट भी गया आपका नोड भी गया, ऐसा नहीं करोगे। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें आप लोग दो कंटेनर चला सकते हो पॉड के अंदर? जब आपके दोनों एप्लीकेशन क्लोजली रिलेटेड हो एक दूसरे से। सपोज एक आपका एपीआई एप्लीकेशन है और दूसरा एप्लीकेशन जो उस एपीआई की हेल्थ चेक करता है, उस केस में अगर हमारा पॉड शटडाउन हुआ तो दोनों शटडाउन हो जाएंगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अगर एपीआई नहीं रहेगा तो एपीआई का हेल्थ चेक करने की क्या क्या सेंस है, राइट? ओके, ये तो हम लोगों ने पॉड और थोड़ी बहुत कंटेनर के बारे में बात की। अच्छा, अब इस नोड के अंदर क्या मल्टीपल पॉड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और यही तो जबरदस्त फीचर है क्यूबरनेटिस का कि अगर एक पॉड शटडाउन हो गया तो दूसरा तो जो आपका ट्रैफिक है दूसरे पॉड में रीडायरेक्ट हो जाएगा, और यही हेल्प करता है आपके एप्लीकेशन को स्केल करने में। ओके, थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने जानी, अभी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी जब हम लोग इन चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे। मल्टीपल पॉड्स क्रिएट करना, इसको हम लोग रेप्लिकास बोलते हैं, ये हम लोग बाद में समझने वाले हैं वीडियो में। ओके, इसके अलावा होता है हमारे पास मास्टर नोड। अब भाई हम लोग को पॉड क्रिएट करना है, पॉड के अंदर ये एप्लीकेशन चलाना है, ये सब हम लोग डायरेक्टली नोड को नहीं बोलेंगे। हमारे पास एक टूल होता है, क्यूब सीटीएल या क्यूब कंट्रोल, जो भी आप बोलो। इस टूल का यूज करके हम लोग मास्टर नोड को बोलेंगे, ओए सुन भाई मेरे को ये पॉड है कंटेनर के अंदर चला के दे यार मेरे को। तो डायरेक्टली हम लोग नोड को नहीं बोलेंगे, हम लोग क्यूब सीटीएल टूल का यूज करेंगे, और क्यूब सीटीएल बोलेगा मास्टर नोड को कि भाई क्या करना है। तो मास्टर नोड वो इंसान है जो कंट्रोल करता है इन पॉड को, जो बताता है कि भाई तुम लोग को क्या क्या करना है। ऑल राइट, तो क्यूब सीटीएल के थ्रू हम लोग हमारे क्लस्टर या मास्टर नोड से कम्युनिकेट करते हैं, और इन सब कंपोनेंट्स मिलके एक क्लस्टर फॉर्म होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ऑल राइट, तो अब हम लोग को क्यूबरनेटिस, ये जो क्लस्टर है हम लोग को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना है, मतलब क्यूबरनेटिस हम लोग को हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल करना है ताकि हम लोग प्ले कर सकें उसके साथ। अच्छा, अब इस इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं हमारे पास, मैं आप लोग को बेस्ट तरीका बताऊंगा और बताऊंगा वो क्यों बेस्ट है। ओके, एक तरीका है मिनी क्यूब का यूज करके हम लोग सेटअप कर सकते हैं क्यूबरनेटिस हमारे लोकल मशीन है मशीन पे। दूसरा तरीका है कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आपको डॉकर आता होगा, वो 100% कंपलसरी है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो डॉकर आना ही चाहिए आपको, अगर नहीं आता तो पहले आप डॉकर सीख लो, देन इस वीडियो पे। अच्छा, अगर आप लोगों ने डॉकर सीखा है दैट मीन्स कि आपके सिस्टम पे डॉकर डेस्कटॉप होगा। तो आपको सिंपली डॉकर डेस्कटॉप ओपन करना है और यहाँ पे सेटिंग्स आइकॉन पे जाना है, और यहाँ पे एक क्यूबरनेटिस दिख रहा है, यहाँ पे आपको अनेबल करना है एंड अप्लाई एंड रिस्टार्ट कर दो, और यही बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो डॉकर डेस्कटॉप है ये यूज करता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये यूज करता है WSL2। WSL2 हम लोग को एक वर्चुअल लिनक्स एनवायरमेंट देता है, तो हमारा जो क्लस्टर है ये एक वर्चुअल लिनक्स एनवायरमेंट में चलेगा, WSL2 एनवायरमेंट में चलेगा, एंड यही बेस्ट है। इसमें हम लोग को बहुत ही मिनिमम कुछ कन्फिगर करना ही नहीं पड़ा, हम लोगों ने बस एक टिक किया एंड अप्लाई रिस्टार्ट हो गया। और यहीं पे अगर आप लोग मिनी क्यूब यूज करोगे तो यहाँ पे आप लोग को आपका वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लस्टर है ये एक वर्चुअल मशीन के अंदर चलेगा। ऑलराइट,
तो यहां पे अगर आप मिनी क्यूब कॉन्फ़िगर करोगे तो यहां पे आप लोग को, लेट्स सी, यहां पे आप लोग को ड्राइवर्स कॉन्फ़िगर करने होते हैं। ड्राइवर तो डिफॉल्ट ड्राइवर यूज होता है डॉकर, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो आप लोग को वर्चुअल मशीन चाहिए तो उसके लिए आप लोग को वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा या हाइपर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा और टाइम जाएगा। तो मिनी क्यूब मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा, सिंपली आप लोग डॉकर डेस्कटॉप में आके अनचेक इसको टिक कर दो और अप्लाई रिस्टार्ट। मिनी क्यूब नहीं यूज करने का एक और रीजन भी है कि मिनी क्यूब का नेटवर्किंग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर वीडियोस में आप लोग, हम लोग सर्विसेस बनाएंगे, राइट, नोड पोर्ट, या यहाँ पे आओ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में एक्सेसिंग एप्स में आओगे, ठीक है। सर्विसेज के बाद क्या होती है हम लोग बाद में समझेंगे, बट उस केस में क्या करोगे आप, अपने वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे उसके आईपी एड्रेस से, आपको एक टनल क्रिएट करना पड़ता है। तो मिनी क्यूब की नेटवर्किंग जो है थोड़ी अलग होती है, तो मिनी क्यूब में आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा अभी के लिए। जैसा मैं करता हूं आप भी एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो करो। तो अब आपको यहाँ पे क्यूबरनेटिस का आइकॉन दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे दिखा रहा है क्यूबरनेटिस इज रनिंग, एंड इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीएमडी ओपन करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग KubeCTL वर्जन। तो क्यूब सीटीएल ही वो टूल है जिसके थ्रू हम लोग हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। ऑल राइट, तो हम लोग को कुछ मीनिंगफुल दिख रहा है, दैट मीन्स कि सक्सेसफुली क्यूबरनेटिस इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, अब पॉड वगैरह क्रिएट करने से पहले, एक्चुअल कोड पार्ट करने से पहले, मेरे को एक और चीज सेटअप करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबरनेटीज डैशबोर्ड। इसमें हम लोग हमारे कितने पॉड्स क्रिएट हुए हैं, कितने सर्विसेज क्रिएट हैं, वो सब देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा क्यूबरनेटीज डैशबोर्ड एंड यहाँ पे हम लोग एक गिटहब रिपो मिलेगी एंड इसको हम लोग फॉलो करेंगे डैशबोर्ड सेटअप करने के लिए। अच्छा, सो यहाँ पे हम लोग को क्यूब ये कमांड कॉपी करना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमारे पास एक फाइल रखी हुई है, इसको देख लेते हैं एक्सेस करके। ऑल राइट, इसमें हम लोग को कंटेंट है कुछ, ओके। तो मैं इसको कमांड को कॉपी करता हूँ, ये रहा कॉपी, एंड ये हम लोग कहीं पे भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड दिस इज डन। उसके बाद हम लोग को एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टू एक्सेस डैशबोर्ड हम लोग को ये कमांड टाइप करना है, ओके, लेट्स डू दिस आल्सो। ऑल राइट, इससे हम लोग हमारा डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं इस एंड पॉइंट पे। चलो इस एंड पॉइंट पे जाके देखते हैं एंड ये रहा डैशबोर्ड। अब हम लोग को लॉग इन करना है। ऑल राइट, ओके। सो लॉग इन करने के लिए हम लोग को एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्लोज कर लो इसको। उसका डॉक्यूमेंटेशन किधर है, हाँ, क्रिएटिंग सैंपल यूजर, ओके। इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे हम लोग को, एक ये और एक ये, ओके। तो हम लोग को इसके मीनिंग, इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हम लोग स्टेप फॉलो कर रहे हैं ताकि हम लोग हमारे डैशबोर्ड सेटअप कर सके, ओके। सो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसको मैं अपने वीएस कोड के अंदर खोल लेता हूँ, कोड डॉट एंड यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, डैशबोर्ड डॉट YAML। ऑल राइट, डैशबोर्ड YAML, इसके अंदर हम लोग हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो पटक देते हैं। सबसे पहले मैं ये कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड हम लोग को ये जो इंस्ट्रक्शन है अलग अलग फाइल में डालने नहीं है, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड हम लोग को ये भी ऑब्जेक्ट इसी सेम फाइल में डाल सकते हैं। तो सेपरेट आउट करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग ये तीन डैशेस डाल सकते हैं, ये एक सिंटेक्स है। एंड यहाँ पे अगेन ये मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पटक दिया। ऑल राइट, नाउ अब हम लोग को अप्लाई करना है। अगेन मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, इसी फोल्डर में टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे को टाइप करना है KubeCTL अप्लाई डैश एफ फाइल का नाम, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में है तो हम लोग को पूरा पाथ मेंशन नहीं करना है, सिर्फ डैशबोर्ड डॉट YAML। ऑल राइट, एक बार ये हो जाएगा तो हम लोग को टोकन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये कमांड कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी,
एंड ये हम लोग को टोकन मिल गया कंट्रोल सी, एंड यहां पे ये टोकन हम लोग को पेस्ट करना है कंट्रोल वी, साइन इन एंड देयर वी गो। सो हम लोग को यहाँ पे एक पॉड दिख रहा है, मे बी मैं पहले टेस्ट कर रहा था तो मैं इसको डिलीट करना भूल गया, तो हम लोग को एक पॉड दिख रहा है। ऑल राइट, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पॉड को। हम लोग हमारा वर्क स्पेस क्लीन कर लेते हैं। क्यूब सी टी एल पॉड डिलीट, नाम क्या है इस पॉड का, माई क्यूब। क्यूब डिलीट पॉड, ऑल राइट। ना ये अब हमारी वर्क स्पेस क्लीन हो चुकी है। ऑल राइट, सो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल नोड जैसा एप्लीकेशन है जिसमें कि सिर्फ दो एंड पॉइंट्स हैं, आप लोग खुद से भी बना सकते हो। या मैं आप लोग को ये कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट मैं पूरा फोल्डर ही पटक के दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। डॉकर फाइल भी पहले से ही मैंने बनाई हुई है, बहुत ही सिंपल है। ऑलराइट, तो इसी को हम लोग एक पॉड के अंदर चलाते हैं। ओके, सो इस फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट करूंगा एक फोल्डर, लेट्स से उसको मैं नाम दूंगा के ए टेस्ट। अब क्यूबरनेटिस को शॉर्ट फॉर्म में के ए टेस्ट भी बोलते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि क्यूबरनेटिस पूरे वर्ड में के फर्स्ट लेटर है और एस लास्ट लेटर है, इनके बीच में और 8 लेटर्स आते हैं, इसलिए के ए टेस्ट। पता नहीं ऐसा क्यों नाम दिया गया, बट यही नाम दिया गया है और उसके पीछे का रीजन यही। ओके, यहाँ पे हम लोग एक YAML फाइल बनाएंगे, लेट्स से उसको मैं नाम दूंगा सिंपल एप डॉट डैशबोर्ड डॉट YAML, कुछ भी नाम दे सकते हो बट एंड में डॉट YAML ही होना चाहिए। अच्छा, पॉड क्रिएट करेंगे। अब क्यूबरनेटिस में हमारे पास बहुत ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सबको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पॉड एक ऑब्जेक्ट है, सर्विस एक ऑब्जेक्ट है, डिप्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्ट है। तो पॉड क्रिएट कर रहे हैं तो मैं गूगल करता हूँ क्यूबरनेटिस पॉड, सबसे पहला लाइन ऑफ कोड लिख लो, लिखना होता है हम लोग को एपीआई वर्जन। तो लेटेस्ट एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लेटेस्ट वर्जन 1 ही है अभी तक, तो हम लोग वर्जन 1 ही यूज करने वाले। आप लोग भी गूगल कर लेना क्यूबरनेटिस पॉड और जो भी एपीआई वर्जन दिखेगा आपको लेटेस्ट वो यूज कर लेना। ओके, अच्छा पहला लाइन ऑफ कोड तो है एपीआई वर्जन, इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है काइंड, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, किस काइंड का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पॉड, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉड। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारा एप्लीकेशन पॉड के अंदर चलाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होता है, कुछ और डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो हम लोग को एक की होता है मेटा डेटा, MBDA मेटा डेटा, इसके अंदर हम लोग को कुछ और डिटेल्स मेंशन करने पड़ेंगे। अच्छा, YAML फाइल है, इसमें स्पेस से इंडेंटेशन होती है, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। राइट, तो मैं दो स्पेस से इंडेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मेटा डेटा में हम लोग को डालना पड़ेगा नाम, इस पॉड का नाम क्या होगा। तो लेट्स से मैं नाम देता हूँ सिंपल ऐप, हाँ सिंपल ऐप, सिंपल डैश ऐप या फर्स्ट ऐप, जो भी ना आप लोग नाम दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को थोड़े और स्पेसिफिकेशन मेंशन करने पड़ेंगे, मतलब बॉट के अंदर कंटेनर चलाना है, थोड़ा कंटेनर से रिलेटेड डिटेल हम लोग को इसमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ेगा कंटेनर्स, कंटेनर्स। अब कंटेनर जो है अरे है, इन दो स्पेस से इंडेंटेशन। अरे का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होल्ड करता आइटम 1-item 2, राइट। बट देन हमारे केस में कंटेनर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं, ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए अगेन हम लोग यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स लिखने पड़ेंगे। सो बेसिकली कंटेनर्स मल्टीपल कंटेनर्स चला सकते हैं पॉड के अंदर, इसलिए एक अरे है, बट हम लोग एक ही कंटेनर चलाने वाले। तो यहाँ पे हम लोग को नाम डालना पड़ेगा उस कंटेनर को, नाम क्या होगा। तो मैं लिखता हूँ सिंपल App, CON नाम दे देता हूँ। उसके बाद इमेज, सो इमेज होगा हमारे पास, ये सिंटेक्स बेसिकली इक्विवेलेंट है इस टाइप का। सपोज कंटेनर से एक एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें है नेम, उसका कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू, और उसके बाद है इमेज, इसकी कुछ वैल्यू है। ऑलराइट, एरे के अंदर एक ही आइटम है हमारा। ओके, हाँ अच्छा, अब ये जो इमेज है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, इसका इमेज फाइल बिल्ड करना पड़ेगा। बट इस बार जो इमेज है हम लोग लोकली बिल्ड नहीं करेंगे, उस इमेज को बिल्ड करके कहीं पे ऑनलाइन पटकना पड़ेगा एंड देन उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ओके,
यस। सो यहाँ पे मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, सबसे पहले इमेज बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी फ्लैग। अच्छा इसको नाम देना है, तो यहाँ पे मैं ना यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ रिपोजिटरी, इसको नाम दूंगा सिंपल ऐप क्रिएट, एंड यहाँ पे यही नाम देंगे हम लोग, मतलब तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, एंड देन हमारे डॉकर फाइल की लोकेशन, तो ये है हमारी करेंट डायरेक्टरी में, ओके पाथ फोल्डर में स्पेस है, तो उसके लिए हम लोग को पूरा पाथ मेंशन करना पड़ेगा कोर्स के अंदर। डॉट स्लैश करेंट डायरेक्टरी में हमारे पास सिंपल नोड, इसके अंदर है मेरी इमेज। ऑलराइट तो ये बन गई मेरी इमेज सिंपल नोड ऐप, ओके सब करेक्ट है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग को टाइप करना है डॉकर पुश। अच्छा डॉकर पुश टाइप करने से पहले, अगर आप लोग लॉग इन नहीं हो डॉकर हब पे, तो आपको डॉकर लॉग इन टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही लॉग इन हूं, तो मैं डायरेक्टली डॉकर पुश टाइप कर सकता हूँ। Awesome. अब यही इमेज हम लोग को यहाँ पे यूज करनी है, यही इमेज का नाम हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है लाइक दिस। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्स मेंशन करना होता है, PORTS कंटेनर कौन से पोर्ट्स एक्सपोज कर रहा है, तो कंटेनर एक ही पोर्ट एक्सेस करता है, तो अगेन पोर्ट्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे CONTAINER कंटेनर पोर्ट, एंड पोर्ट एक्सेस करता है 5000, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो है डॉकर फाइल में भी देखोगे तो 5000 पोर्ट हमारा कंटेनर एक्सपोज करता है, और क्योंकि एप्लीकेशन भी उसी पोर्ट पे चल रहा है। बस कोई टाइपो नहीं किया हुआ। अच्छा एक और चीज डालनी पड़ती है, तो हम लोग पोर्ट को ना यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको नाम से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, पोर्ट को लेबल के थ्रू यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बाद में अभी थोड़ी देर बाद हम लोग एक सर्विस फाइल बनाएंगे, उस सर्विस किस पोर्ट पे अप्लाई होनी चाहिए, उस केस में हम लोग को इस पॉट का लेबल पता होना चाहिए, क्योंकि लेबल यूज करके हम लोग अप्लाई करेंगे सर्विस, तो लेबल देना बहुत जरूरी है। अब ये सब टर्मिनोलॉजीज क्यों है, क्योंकि क्यूबरनिटीज ऐसा बनाया गया है कि लेबल देना जरूरी है, तो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगेन लेबल के अंदर की और वैल्यू को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे ऐप डॉट ऐप कोलन सिंपल ऐप, या इसकी को आप लोग नेम कोलन सिंपल ऐप, या कंपोनेंट कोलम सिंपल ऐप, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है, की वैल्यू दोनों आपके ऊपर है। ऑल राइट ओके। सो ये हम लोगों ने हमारा पॉड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया डिक्लेटिवली डिक्रेटिवली हाँ डिक्रेटिवली हाँ। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, सो क्यूब CUBECTL क्यूब CTL अप्लाई डैश एफ फाइल नाम, फाइल का नेम, एंड यहाँ पे हमारी फाइल रखी हुई है हमारी करेंट डायरेक्टरी में सिंपल नोड है, उसके अंदर K8S उसके अंदर ही, अरे बाप रे। सो हमारी करेंट डायरेक्टरी में है सिंपल नोड ऐप, उसके अंदर है K8S, उसके अंदर है हमारी सिंपल ऐप dashpod.yaml, एंटर, एंड आप लोग को देख रहे हो पॉड सिंपल ऐप क्रिएटेड। अगर आप लोग को देखना है कमांड के थ्रू, तो आप लोग टाइप कर सकते हो क्यू KUBECTL गेट पॉड्स, ओके टाइपो हो गया KU, अरे बाप रे KUB, तो आप लोग को देख रहा है एक ही पॉड है हमारे पास, वन आउट ऑफ वन रेडी, स्टेटस है रनिंग, एंड हम लोग को नाम दिख रहा है। अच्छा ये आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो डैशबोर्ड पे, ये आप लोग को दिख रहा है इसका इसका इमेज, कौन सी इमेज ये होल्ड कर रहा है, इसका लेबल क्या हुआ है, तो ये हम लोगों ने लेबल दिया, की वैल्यू दोनों हमारे ऊपर है, कुछ भी दे सकते हैं। ऑलराइट सो या ये हम लोगों ने पॉड क्रिएट कर लिया, बट देन इसको आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, आप लोग अपने लोकल मशीन से एक्सेस नहीं कर पाओगे, उसके लिए हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगी एक सर्विस फाइल। ऑलराइट तो चलो अब सर्विस बनाते हैं। तो सर्विसेस क्या होती है, तो सर्विसेस का यूज करके आप अपने पॉड को एक्सपोज कर सकते हो क्लस्टर के अंदर ही, ताकि कोई और ऑब्जेक्ट उस पॉड को एक्सेस कर सके, या तो क्लस्टर के बाहर, हमारे केस में हम लोग को हमारे
एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो हम लोग पॉड को एक्सपोज करेंगे क्लस्टर के बाहर ताकि हम लोग एक्सेस कर सके हमारे एप्लीकेशन को हमारे लोकल मशीन से, राइट, मैं अपने लोकल नोड से एक्सेस कर सकूं। ओके, तो बनाते हैं चलो फटाक से, तब ज्यादा और क्लियरिटी मिलेगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल एप डैश सर्विस डॉट YAML, ऑलराइट। एंड अगेन यहाँ पे दो लाइन तो कॉमन ही होने वाली है लाइक दिस, एंड यहाँ पे काइंड में पॉड के जगह एस कैपिटल सर्विस लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद इसमें भी कुछ मेटा डेटा डालना पड़ेगा, मेटा डेटा, एंड यहाँ पे इसको नाम देना पड़ेगा सर्विस को, नाम दे देते हैं लेट्स से सिंपल एप सर्विस। ओके, उसके बाद स्पेसिफिकेशन। अच्छा, स्पेसिफिकेशन में ये सर्विस किस पे अप्लाई होनी चाहिए, किस पॉड पे अप्लाई होनी चाहिए, तो यहां पे हम लोग डालेंगे सेलेक्टर, सेलेक्टर, एंड सेलेक्टर में हम लोग डालेंगे ये, इस पॉड को हम लोग ने लेबल दिया हुआ था, राइट, तो इस पॉड पे अप्लाई होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग सर्विस और मेरी पॉड को लिंक कर रहे हैं, तो ये सर्विस किस पॉड पे अप्लाई होनी चाहिए, ये सर्विस उस पॉड पे अप्लाई होनी चाहिए जिसमें कि लेबल होगा नेम और उसकी वैल्यू होगी सिंपल है। तो जिस भी पॉड का ये होगा लेबल, दोनों की वैल्यू मिला के उस पे सर्विस अप्लाई होगी। ऑल राइट, सो दिस इज डन। उसके बाद अगेन बैक जाता हूं मैं यहाँ पे टाइप, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहले और लिख लूँ पहले मैं, टाइप के अलावा हम लोग को डालना पड़ेगा पोर्ट्स। अच्छा, ये भी थोड़ा सा समझाने वाली चीज है, पोर्ट्स भी समझाना पड़ेगा। अगेन ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, दो स्पेस से इंडेंट करता हूँ। हाँ, एक तो हाँ, यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पे भी पोर्ट, और ये तो एक होता है हमारे पास टारगेट पोर्ट, डालते हैं इसकी वैल्यू डालते हैं, और एक होता है हमारे पास नोड पोर्ट, नोड पोर्ट एक ही केस में एक ही टाइप पे डिपेंड करता है नोड पोर्ट डलेगा कि नहीं। हाँ अच्छा, सबसे पहले तीन, बेसिकली तीन टाइप कॉमन टाइप्स होते हैं यहाँ पे सर्विस के। एक होता है हमारा क्लस्टर आईपी, क्लस्टर आईपी, तो ये आपके पॉड को एक्सेस करेगा विद इन द क्लस्टर, तो आपके क्लस्टर के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट आपके पोर्ट को एक्सेस कर पाएगा अगर आप लोग ये टाइप मेंशन करते हो क्लस्टर आईपी, ऑलराइट। बट हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग हमारे बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोग एक्सटर्नली हमारे पोर्ट को एक्सेस करना चाहते हैं क्योंकि मेरे को अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करना है मेरे को मेरे मशीन से, राइट। तो दूसरा टाइप होता है यहाँ पे हमारे पास नोड पोर्ट, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। इससे होगा क्या कि ये जो टाइप है क्या करेगा, हम लोगों ने आर्किटेक्चर देखा था ना, है क्या मेरे पास खुला हुआ, हाँ ओपन एग्जिस्टिंग के एट एस। अच्छा, तो ये जो हमारा नोड है, राइट, ये जो मेरा नोड है इस पे एक पोर्ट एक्सेस करेगा। तो पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक खिड़की होती है जिससे कोई इंसान अंदर बाहर जा सकता है, राइट। तो नोड जो ये है, ये मशीन है, इस पे हम लोग एक खिड़की खोल रहे हैं और उस खिड़की से एक्सटर्नल ट्रैफिक आ सकता है, राइट। तो उस खिड़की से हम लोग हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इस नोड पे, इस मशीन पे एक खिड़की खोल रहे हैं हम लोग, नोड पे एक पोर्ट एक्सपोज कर रहे हैं, राइट। ओके, हाँ, और एक सर्विस है वो मैं बताता हूँ पहले हम लोग, एक और टाइप है कॉमनली लोड बैलेंसर, उसके बारे में बताता हूँ पहले, इसको ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पोर्ट। अच्छा, ये जो सर्विस है ये सर्विस किस पोर्ट पे चलेगी, कुछ भी पोर्ट दे दो, आपकी इच्छा है 7000 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पोर्ट से हम लोग को मतलब नहीं है, सर्विस किस पोर्ट पे चलेगी उससे हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं। अच्छा, टारगेट पोर्ट, देखो टारगेट पोर्ट और एक होता है हमारे पास नोड पोर्ट। टारगेट पोर्ट मतलब किस पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है, तो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है 5000 पोर्ट पे, इसीलिए हम लोगों ने कंटेनर से 5000 पोर्ट मतलब ये एक्सपोज करा हुआ है, हम लोग का एप्लीकेशन चल रहा है 5000 पोर्ट पे, तो यहाँ पे टारगेट में 5000 ही हम लोग को डालना है। नोड पोर्ट में आप लोग क्या डालोगे, सो नोड पोर्ट में आप लोग नोड पोर्ट,
यहाँ पे नोटबोर्ड में आप लोग डालोगे, इसकी कोई रेंज होती है एक्चुअली में। कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये 30,000 से लेके 32,761 के अंदर ये डिफॉल्ट वैल्यू है। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट क्यों मॉडिफाई करना, इसके बीच हम लोग कोई भी पोर्ट मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 30,001 डाल लेता हूँ। ओके अच्छा, अब क्या होगा? तो हम लोगों ने खिड़की खोली, हमारे नोट पे ये खिड़की खोली, इस खिड़की से कोई भी अंदर आएगा तो हमारी जो सर्विस है उसको रीडायरेक्ट कर देगी इस पोर्ट पे, हमारे पॉट के अंदर इस पोर्ट पे रिडायरेक्ट कर देगी। ऑल राइट, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन इसके अंदर चल रहा है, राइट? तो इस खिड़की से 3,000 मत 3,000 नहीं 30,001 पे अगर कोई इंसान आएगा, इस खिड़की से आएगा, तो हमारी सर्विस उसको इस पोर्ट पे रिडायरेक्ट कर देगी, क्योंकि इस पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। ऑल राइट, इस पोर्ट से हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं है अभी के लिए। अच्छा तो मेरे हिसाब से दैट्स प्रीटी मच इट। ओके लेट्स ट्राई टू एक्सेस आवर एप्लीकेशन नाउ। So, यहाँ पे अगेन हम लोग को टाइप करना पड़ेगा, बड़ा कमांड टाइप करना पड़ रहा है यार। हाँ यहाँ पे हम लोग को क्यूब सीटीएल अप्लाई डैश है, बट यहाँ पे हम लोग को बस फाइल का नाम लिखना है, सिंपल है, डैश सर्विस डॉट YAML, एंड एंटर करता हूँ। ओ 30,001 ऑलरेडी इन यूज में है, तो 2 कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एंड सर्विस इज क्रिएटेड, अगेन आप लोग गेट गेट सर्विस लिख सकते हो, आप लोग को दिखेगा यहाँ पे इतने सारे हमारे पास सर्विसेस हैं। ऑल राइट, ये वाली सर्विस मैंने पहले क्रिएट की हुई होगी, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एक्चुअली। क्यूब सीटीएल डिलीट सर्विस। ओके अब अगेन फिर से करते हैं गेट सर्विसेज, ये तो डिफॉल्ट सर्विस है, इसको छोड़ो। यहाँ पे आप लोगों को देखा है सिंपल एप सर्विस, टाइप है नोट पोर्ट, क्लस्टर आईपी, इंटरनल आईपी है ये उसका, एक्सटर्नल आईपी में नन है हमारे पास। ओके बट देन अब आप लोग, हम लोगों ने ये खिड़की खोली है, इस खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लोकल होस्ट 30,002 है ना, 32 एंटर करता हूं, एंड बूम देयर यू गो, वेलकम टू क्यूबरनेटीज दिख रहा है, मतलब मैं अपना एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा हूं, मेरे लोकल मशीन से एक्सेस कर पा रहा हूं। ऑसम, सो ये तो जबरदस्त था, हम लोग हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं नोट पोर्ट का यूज करके, ठीक है, बहुत सेक्सी है। हाँ यहाँ पे ये जो अप्रोच है, मतलब टाइप नोट पोर्ट, ये डेवलपमेंट के लिए ठीक है, बट जब आप अपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे मूव करोगे तो यहाँ पे आप लोग नोट पोर्ट की जगह आप यूज करोगे समथिंग कॉल्ड एज लोड बैलेंसर टाइप। अब लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड BLNCER, लोड बैलेंसर, यहाँ पे उस लोड बैलेंसर के केस में नोट पोर्ट देना जरूरी नहीं है, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा लोड बैलेंसर स्पेलिंग करेक्ट है, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपकी जो पूरी पूरी सर्विस है उसको एक्सपोज कर देगा एक्सटर्नल वर्ल्ड पे, एंड आप लोग को एक आईपी एड्रेस दे देगा, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, जिससे आप लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। ऑल राइट, तो लोड बैलेंसर जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, AWS या कोई और, उनमें अपना अपना मैकेनिज्म होता है कि कैसे लोड को बैलेंस करना है। ओके सो लोड बैलेंसर से क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन का ट्रैफिक जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक पॉड में, हर एक पॉड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे आप लोग डिप्लॉय कर रहे हैं वो करेगा, ठीक है? तो हर किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन होता है उनके पास लोड बैलेंसर का। ओके अच्छा, क्या हम लोग ये लोकल मशीन पे ये टाइप लोड बैलेंसर सपोर्ट करता है? अगर आप मिनी क्यूब यूज करते हो तो भी करता है, बट क्योंकि हम लोग मिनी क्यूब नहीं यूज कर रहे हैं, हमारे केस में भी डॉकर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो भी हम लोग टाइप ही लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव करता हूँ, लोड बैलेंसर टाइप अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे मेरे को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब सीटीएल अप्लाई डैश एफ एंड ये फाइल का नाम। ओके अप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे गेट सर्विसेज टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखेगा सिंपल एप सर्विस और यह है लोड बैलेंसर।
और यहाँ पे एक क्लस्टर आईपी दिया हुआ है, और हमारे पास है एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस भी है, हमारे पास एन एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है लोकल होस्ट। दैट मीन्स कि मैं अपने एप्लीकेशन को लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकता हूँ। पूरी पूरी सर्विस थी हम लोग को लोकल, इस लोड बैलेंसर ने पूरी पूरी सर्विस थी एक्सटर्नली हम लोग को एक्सपोज करके दे दी, मतलब एक आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, उससे हम लोग हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट एंड पोर्ट रहेगा, ये सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है, 7000, तो हम लोग को लोकल होस्ट 7000 पे जाना है, इस बारी 7000 पे जाना है एक्सेस। अब ये पोर्ट गया, इस पोर्ट पे कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, देखो हैंग हो गया। अब यहाँ पे लोकल होस्ट जाएंगे हम लोग 7000 पे, एंटर, बूम, देयर यू गो, अब हम लोग को देख रहा है वेलकम टू क्यूबरनेटीज। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक जादू दिखाता हूँ, डैशबोर्ड देख लेते हैं, हम लोग को डैशबोर्ड तो यूज ही नहीं कर रहे, फिर एक्सपायर, बार बार एक्सपायर हो रहा है, बाप रे, ये बड़ी दिक्कत है यार, डैशबोर्ड बार बार एक्सपायर होता है, डैशबोर्ड उतना काम का नहीं है, देन ये समझ गया मैं बार बार क्यों, थोड़ी मैं लॉग इन कॉपी करके बार बार डालूंगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को सर्विसेज भी दिखनी चाहिए, ये है हमारे पास सर्विसेज, एंड ये हमारे पास एंड पॉइंट, एंड ये एक्सटर्नल एंड पॉइंट, देखो देखो एक्सटर्नल एंड पॉइंट, वाह, यहाँ पे इसने पूरा पोर्ट के साथ दे दिया है, वाह वाह, ऑसम ऑसम। तो ये है लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर और नोड पोर्ट पे आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। नोड पोर्ट में एक खिड़की खोलते हैं हम लोग नोड पे, जिससे एक्सटर्नल ट्रैफिक आ जाए, और लोड बैलेंसर पूरा पूरा सर्विस ही हम लोग को एक्सटर्नली अवेलेबल कर देता है, और हम लोग को एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस दे देता है, जिससे हम लोग हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकेंगे। ऑसम, हमारे पोर्ट्स का ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज हम लोग को ध्यान देने वाली है, यहाँ पर रिस्टार्ट्स में जीरो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे लॉक्स देख सकते हैं क्या, यहाँ पे लॉक्स देख सकते हैं हम लोग, ये रहे लॉक्स, पुल्ड इमेज, स्टार्टेड कंटेनर, क्रिएटेड कंटेनर, फेल हो गया था तो फिर से कंटेनर किल हुआ, फिर से इमेज पुल हुआ। अच्छा, तो रीस्टार्ट पर ये रीस्टार्ट जीरो देख रहा है हम लोग को, राइट। एक अब मैं आप लोग को जादू दिखाता हूँ, देखे लोकल उस 5000 पे जाता हूँ, हमारे पास एक राउट है जिससे हम लोग हमारे एप्लीकेशन को क्रैश कर सकते हैं, स्लैश एरर, बूम, इस पे गया, मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो गया। अब मैं वापस इस पे जाता हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ, वाह, आप लोगों ने देखा, मैं स्लैश एरर पे गया, मैंने एप्लीकेशन को क्रैश किया, फिर भी मेरा एप्लीकेशन अपने आप रीस्टार्ट हो गया। तो ये आप लोग अगर डैशबोर्ड में देखोगे, कहाँ गया डैशबोर्ड, तो यहाँ पे अब दिखा रहा है रीस्टार्ट वन, ठीक है, तो हमारा पॉड क्रैश हुआ, ठीक है, पॉड क्रैश हुआ, देखो ये 22 सेकेंड्स अब, ठीक है, क्रैश हुआ, हाँ, इमेज पुल किया इसने और फिर से सक्सेसफुल इमेज को पुल करके कंटेनर को स्पिन अप किया, राइट। तो यही खासियत है, पॉड क्रैश होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस होके नया पॉड आ जाता है, या वही पॉड रिस्टार्ट हो जाता है। अच्छा, बट एक दिक्कत है, हमारे पास अभी एक ही पॉड है, तो होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैं एरर पे गया एंड मैं फटाक से वापस से 7000 पॉड पे जाता हूँ, मैं, अरे लफड़ा हो गया, वापस जा, हाँ देखो मैं लोकल 7000 पे चाह रहा हूँ, तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, जब तक मेरा पॉड रीस्टार्ट नहीं होता है 2-3 सेकंड के लिए मैं अपने एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, देख रहे हो, अब एक्सेस कर पा रहा हूँ, 2 सेकंड के लिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि जब तक वो रीस्टार्ट हो टाइम लग रहा था, तो मैं 2 सेकंड के लिए मेरे को डाउन टाइम मिला, ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारे पास एक ही पॉड है, एंड हम लोगों ने देखा कि जब वो पॉड क्रैश करता है तो हम लोग हमारा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे थे कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक वो पॉड रीस्टार्ट ना हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जो पॉड्स है मैन्युअली नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे पॉड्स यूजिंग अ डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। उससे फायदा ये होगा कि अगर एक पॉड क्रैश होता है तो जो ट्रैफिक है वो दूसरे पॉड पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, अगर दूसरा पॉड क्रैश होता है तो ट्रैफिक जो है तीसरे पॉड पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। सो ये है हमारी फाइल। तो हम लोग ये जो पॉड है मैन्युअली नहीं क्रिएट करेंगे, मैन्युअली क्रिएट नहीं करना चाहिए, बट आप लोग को पता होना चाहिए इसलिए मैंने ये बताया, बट अब हम लोग क्रिएट करेंगे पॉड यूजिंग अ डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। ओके, खुद से ऐसे मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग वर्कस्पेस क्लीन कर लेते हैं, इससे आप लोग को डिलीट कैसे करते हैं वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को, लेट्स से हम लोग को पॉड और सर्विसेज डिलीट करना है। एक तो सीधा तरीका ये है कि मैं क्यूब
डिलीट एंड यहाँ पे पॉड, एंड देन पॉड का नाम मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नाम मेंशन कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि आप लोग डायरेक्टली फाइल भी मेंशन कर सकते हो, जैसे ये फाइल है, ये पाथ मैं कॉपी करता हूँ, तो इससे फाइल डिलीट नहीं होगी, यहाँ पे हम लोग को पॉड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग को सिंपली पॉड डिलीट माइनस एफ डालना है, इससे फाइल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, जैसे कि ये फाइल है, इसमें ये पॉड क्रिएट हुआ है, इसका नाम ऑटोमेटिकली ये फाइंड आउट कर लेगा कमांड एंड वो डिलीट करेगा। तो एंटर करूंगा तो आप लोग देखो कि एक पॉड डिलीट हुआ, जो कि सिंपल है, जिसको नाम दिया गया था। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आपको सर्विस डिलीट करनी है तो डिलीट एफ, यहाँ पे सिंपल पॉड डैश सर्विस लिखो। ऑलराइट, तो इससे फाइल डिलीट नहीं होगी, इस फाइल के अंदर जो सर्विस क्रिएट हुई है वो डिलीट होगी। तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग अ नेम ऑफ अ सर्विस, आप डायरेक्टली फाइल का नाम मेंशन कर सकते हो। ओके, हाँ, ये थोड़ा अच्छा तरीका है डिलीट करने का, मैं ये प्रिफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग अ सर्विस नेम और पॉड नेम। अच्छा, अब हम लोग डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं इसके अंदर सिंपल एप डैश डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग गूगल कर लेते हैं क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम लोग को API वर्जन लिखना पड़ेगा, एंड अगर आप लोग गूगल करोगे तो लेटेस्ट वर्जन है। इस बार ही हम लोग को डायरेक्टली वर्जन वन नहीं लिखना है, एप्स स्लैश वर्जन वन लिखना है। तो इस टाइप का सिंटेक्स यूज होता है डिप्लॉयमेंट YAML फाइल लिखते वक्त। ओके, सो पहला लाइन है API वर्जन, जो कि एप स्लैश वी वन, उसके बाद काइंड। इस बार ही हम लोग पॉड सर्विस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इस बार हम लोग डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद तो आप लोग जानते हो हर बार ही हम लोग लिखते हैं मेटा डेटा। ऑलराइट, मेटा डेटा में आप लोग नेम मेंशन कर सकते हो इस डिप्लॉयमेंट का। तो नेम हो गया, लेट्स से सिंपल एप डैश डिप्लॉयमेंट, MENT डिप्लॉयमेंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन। ओके, एंड स्पेसिफिकेशन में अच्छा, स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे हम लोग को ये जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है पॉड्स को कंट्रोल करेगा, राइट? तो उस पॉड के हम लोग को टेम्पलेट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TEMPLA टेम्पलेट। ऑल राइट, अगेन दो स्पेस से मैं इंडेंटेशन कर रहा हूँ। अब जो भी सारी डिटेल्स हम लोगों ने पॉड के अंदर डाली थी, दैट इज मेटा डेटा से लेके पूरा स्पेसिफिकेशन तक, ये हम लोग कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी। एंड या यहाँ पे मेरा डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट कर खोलता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी मेटा डेटा के अंदर आएगा ये सारी चीजें। अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ, सही से इंडेंटेशन नहीं हुआ है, कंट्रोल वी, एंड ये सारी डिटेल्स आएंगी टेम्पलेट के अंदर लाइक दिस। ओके, सो टेम्पलेट के अंदर आएगा अगेन मेटा डेटा। ओके, एंड इसी मेटा डेटा सेम लेवल पे स्पेसिफिकेशन, एंड यहाँ पे ये सारी चीजें। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है पॉड के लिए, ये जो डिटेल्स है ये पॉड से रिलेटेड है। तो भाई हमारे पॉड का नाम क्या होगा, हमारे पॉड को लेबल क्या होगा, तो यहाँ पे पॉड को नाम देना जरूरी नहीं होता है, या इनफैक्ट नहीं देना होता है हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग नेम हटा देंगे, लेबल देना जरूरी होता है, ये एक मैंडेटरी फील्ड है। ओके, उसके बाद पॉड का स्पेसिफिकेशन, उस पॉड के अंदर ये कंटेनर चलेगा, कंटेनर का ये नाम होगा, इमेज ये होगी, कंटेनर ये पोर्ट एक्सपोज करता है। ओके, ये सारी चीजें तो हम लोग को मालूम है, ठीक है। अच्छा, और चीजें इस स्पेसिफिकेशन के अंदर, ये स्पेसिफिकेशन है हमारे डिप्लॉयमेंट का और ये स्पेसिफिकेशन है हमारे पॉड का। ऑलराइट, ये जो टेम्पलेट के अंदर जो भी डिटेल्स हम लोगों ने लिखी हुई है, ये है पॉड से रिलेटेड डिटेल्स। ऑलराइट, हमारे पॉड का लेबल ये होगा। अच्छा, अब ये जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है, हम लोग को बताना पड़ेगा कि सुन डिप्लॉयमेंट, तेरे को इस पॉड को जिसका लेबल ये है उसको कंट्रोल करना है तेरे को, राइट? या ये जो डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है इस पॉड पे अप्लाई होना चाहिए, या कंट्रोल करना है, या सेलेक्ट करेगा इस पॉड को, या हैंडल करेगा इस पॉड को, क्योंकि डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट हमारे पॉड को क्रिएट करके दे, हम लोग मैन्युअली ना क्रिएट करें, तो सब हम लोग को बताना पड़ेगा। तो अगेन आप लोगों ने सही गैस कर लिया, कैसे बताएंगे, हम लोग को यहाँ पे लेबल यूज करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने सर्विस में किया था ना, कि हम लोगों ने ये सर्विस इस पॉड पे अप्लाई होगी जिसका लेबल ये होगा नेम सिंपल है।
सिमिलरली हमारा डिप्लॉयमेंट है ये, इसमें हम लोग डालेंगे सेलेक्टर सेलेक्टर एंड सेलेक्टर के अंदर हम लोग डायरेक्टली मेंशन नहीं करेंगे लेबल, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम ए टी सी एच मैच एल ए बी ई एल एस, ये सिंटेक्स होता है एल ए बी ई एल एस, एंड यहाँ पे हम लोग को अगेन ये सेम कॉपी करना पड़ेगा। तो ये डिप्लॉयमेंट किसको कंट्रोल करेगा, उस पॉड्स को कंट्रोल करेगा जिनका लेबल होगा ये। ऑल राइट ओके एम ए टी सी एच एल ए बी, ये स्पेलिंग करेक्ट है ना? ओके अच्छा, अगेन मैंने बताया था कि लेबल का नाम की वैल्यू दोनों आपके ऊपर है, नेम यहाँ पे इस पे की कुछ भी आप दे सकते हो, ऐप सिंपल ऐप कंपोनेंट सिंपल ऐप या कुछ भी आप लोग दे सकते हो, मैंने नेम एज अ की दिया है। ऑल राइट ओके अच्छा, इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे इस स्पेसिफिकेशन के अंदर, डिप्लॉयमेंट के स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन करना होता है कि कितने पॉड्स हम लोग को स्पिन अप करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेप्लिकास रेप्लिकास एंड हम लोग लेट्स से तीन तीन पॉड स्पिन अप करते हैं। ऑल राइट आर ई पी एल आई सी एस रेप्लिकास, तो हमारे पॉड के तीन इंस्टेंसेस हमारे पॉड के क्रिएट होंगे। ऑल राइट लेट्स ट्राई दिस, सो हम लोगों ने हर एक चीज समझ ली एंड या दैट्स प्रीटी मच इट ओके लेट्स सेव दिस फाइल एंड यहाँ पे क्यूब सी टी एल अप्लाई एंड यहाँ पे इस बार ही हम लोग लिखेंगे सिंपल एप डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यम एल। ऑल राइट एंड अगेन हम लोग को सर्विस फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने डिलीट कर दी थी। यहाँ पे क्यूबनिटीज अप्लाई। ऑल राइट तो अगर आप लोग क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स टाइप करोगे गेट पॉड्स तो अब आप लोग को देखेंगे तीन पॉड्स, और ये हम लोग डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं बाय द वे कि अब हम लोग को तीन पॉड्स दिख रहे हैं। ऑल राइट एंड तीनों रनिंग है, रीस्टार्ट जीरो है। नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सेस अवर एप्लीकेशन, उसके लिए हम लोग सर्विसेज में जा सकते हैं और यहाँ पे एक्सटर्नल एंड पॉइंट से ओपन कर सकते हैं। ऑल राइट अब हम लोग हमारे पॉड को क्रैश करेंगे, ठीक है ध्यान देना आप, ठीक है यहाँ पे डैशबोर्ड पे ध्यान देना, मैं जाता हूँ वापस से अपने पॉड्स पे, ठीक है यहाँ पे मैं जाऊंगा स्लैश एरर पे। जैसे ही मैंने एरर पे गया यहाँ पे देखो कि ये पॉड क्रैश हुआ बट ये दोनों पॉड तो चल रहे हैं। अब अल्टीमेटली ये भी रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये रीस्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो रीस्टार्ट वन, ये दोनों पॉड तो रन थे, तो हम लोग स्टिल हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे इवन दो वो क्रैश हो गया, क्योंकि ये अगर क्रैश हुआ तो ट्रैफिक हमारा इन दोनों पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट सो हम लोगों ने क्यूबरनेटिस के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख ली, अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय करेंगे। ऑलराइट तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल यू नो मन एप्लीकेशन बनाया हुआ है एंड ये वही एप्लीकेशन है जिन लोगों ने मेरा डॉकर नेटवर्क का वीडियो देखा होगा उसमें हम लोगों ने क्या किया था, यही एप्लीकेशन बनाया था और इसमें हम लोगों ने रिएक्ट को सेपरेट कंटेनर में चलाया था, नोड को सेपरेट और मोंगो को सेपरेट एंड तीनों के बीच कम्युनिकेशन करवाया था। इस अभी भी हम लोग वही करने वाले हैं बट इस बार ही ये तीनों एप्लीकेशन एक सेपरेट पॉड के अंदर चलेंगे। ऑलराइट मजा आने वाला है एक नंबर, आहा तो हम लोग मस्त मजेदार चीज सीखने वाले हैं। तो चाहे सबसे पहले हम लोग चीजों को थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं डायग्राम के थ्रू। सपोज ये हमारा नोड एप्लीकेशन है, ये हमारा पॉड है जिसके अंदर नोड एप्लीकेशन चल रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सटर्नली एक्सपोज करेंगे लोड बैलेंसर सर्विस का यूज करके, ताकि हम लोग एपीआई को एक्सटर्नली यूज कर सके। इसके अलावा हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को भी लोड बैलेंसर का यूज करके रिएक्ट पॉड को भी एक्सटर्नली एक्सपोज करेंगे ताकि एंड यूजर हमारा एप्लीकेशन यूज कर सके। एंड अगर मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन से मेरे को हमारा नोड एपीआई कंज्यूम करना होगा तो मेरे को एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मिलेगा, उसी पे हिट करके मैं अपना एपीआई कंज्यूम कर सकूंगा। ओके मोंगो डेटाबेस के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सटर्नली एक्सपोज नहीं करेंगे बट विद इन द क्लस्टर एक्सपोज करेंगे। तो मैंने आप लोग को सर्विस वाले चैप्टर में बताया था क्लस्टर आईपी के बारे में, बट हम लोगों ने बनाई नहीं थी क्लस्टर आईपी सर्विस, जस्ट बता दिया था इस बार ही हम लोग बनाएंगे। तो क्लस्टर आईपी सर्विस का यूज करके हम लोग पॉड को एक्सपोज कर सकते हैं विद इन द क्लस्टर, तो कोई और ऑब्जेक्ट जो क्लस्टर के अंदर होगा वही उस पॉड को एक्सेस कर पाएगा। ऑलराइट तो इस केस में देख रहे हो कि हमारा जो नोड पॉड है वो क्लस्टर के अंदर ही है, तो वो डायरेक्टली मोंगोडीबी को रीच आउट कर सकता है, उस पॉड को रीच आउट कर सकता है जो क्लस्टर के अंदर है। तो मोंगोडीबी को हम लोग एक्सटर्नली एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, विद इन द क्लस्टर ही एक्सपोज कर रहे हैं। ऑलराइट तो कुछ इस तरीके का हम लोग कम्युनिकेशन करवाने वाले। ऑसम
ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग हमारे मोंगो डेटाबेस का पॉड सेटअप कर लेते हैं। तो इस जोक्स ऐप मान के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जोक्स मे बी डीबी। ऑलराइट, एंड इसके अंदर हम लोग K8S करके फोल्डर बनाता हूँ। ओके, फाइल नहीं, इट विल बी अ फोल्डर K8S। ओके, अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे हमारी डिप्लॉयमेंट फाइल। तो जोक्स डीबी जेओ जोक्स डीबी डैश डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट डॉट यम फाइल। ऑलराइट, जोक्स डीबी डिप्लॉयमेंट, अब ये सेम होगा तो ये हमारा ये जो डिप्लॉयमेंट फाइल ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये सेम होगा, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, लेट्स से मोंगो डिप्लॉयमेंट। ओके, रेप्लिकास हम लोग को एक ही इंस्टेंस चलाना है पॉड का, क्योंकि अगर मल्टीपल इंस्टेंस चलाओगे तो आपका डेटा अलग अलग डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे टेक्निकली आपको मोंगो डेटाबेस को पॉड के अंदर नहीं चलाना चाहिए, बट क्योंकि हम लोग अभी चीजें सीख रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं। मोंगो डेटाबेस को आप लोग को सर्विस यूज करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मोंगो डीबी एट लास्ट, एंड वहां पर ही डेटाबेस सेटअप करना चाहिए। टेक्निकली रियल वर्ल्ड में आप लोग मोंगो डेटाबेस को एक पॉड के अंदर नहीं चलाओगे, बट अभी हम लोग चीजें सीख रहे हैं तो कर सकते हैं, सब कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट रेप्लिकास हम लोग को एक ही रखना है, मोंगो डेटाबेस एक ही होना चाहिए। अगर अलग अलग रेप्लिकास रखेंगे तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट शुड नॉट हैपन। ओके, अच्छा, इसके अलावा हम लोग हमारे पॉड को नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, लेट्स से मोंगो डीबी, एंड यही लेबल सेम लेबल हम लोग को यहाँ पे डालना होता है। ऑलराइट, ताकि हमारे डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट को पता चले कि किस स्पॉट को उसको कंट्रोल करना है। एंड उसके अलावा यहाँ पे नेम, इसका नाम मोंगो डीबी कंटेनर दे देता हूँ, मेरे कंटेनर को नाम मोंगो कंटेनर। एंड देन इमेज, अब ये इमेज हम लोग को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डॉकर हब में मोंगो इमेज है। राइट, यहाँ पे आप लोग सर्च करोगे मोंगो से, हमारे पास इमेज है ऑलरेडी, तो यही हम लोग यूज करेंगे। सिर्फ हम लोग को मोंगो लिखना है यहाँ पे, कहाँ गया मोंगो। एंड ये मोंगो जो है डिफॉल्ट पोर्ट होता है इसका 27, आई एम नॉट श्योर, अच्छा 27017 इस पे चलता है, तो वही पोर्ट हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कंटेनर पोर्ट में। ऑल राइट, अच्छा ये हो गया, तो बाय डिफॉल्ट MongoDB इसी पोर्ट पे चलता है, तो यही पोर्ट हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ा सिंपल था, फटाक से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग एक सर्विस फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। अरे जोक्स डैश डीबी डैश सर्विस डॉट YAML। ऑल राइट, सो इसका भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, सैंपल एप सर्विस कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे बस हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लोड बैलेंसर के जगह पे हम लोग को लिखना है क्लस्टर आईपी IURP कैपिटल, एंड यहाँ पे सर्विस होगा काइंड, एंड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, जो भी आप लोग इस सर्विस को नाम देते हो उसको एज अ होस्ट आप अपने एपीआई में यूज कर सकते हो। ऑल राइट, सो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग नाम जो भी देंगे, लेट्स से कुछ मीनिंगफुल नाम देते हैं, मोंगो डीबी क्लस्टर आईपी। ऑल राइट सर, ऑल राइट, ये मैंने नाम दिया। अब इस नाम को मैं एज अ होस्ट यूज कर सकता हूं अपने एप्लीकेशन में, तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा। एंड यहाँ पे जोक्स एपीआई में आओ आप लोग, और ऐप के ऐप जिस के अंदर आओ, यहाँ पे देखो मैंने पे होस्ट लिखा हुआ है। तो अब जो भी सर्विस को मैंने नाम दिया उसको मैं एज अ होस्ट यूज कर सकूंगा। ऑल राइट, तो मैं अपने नोड एप्लीकेशन से मोंगो को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू रखूंगा। तो जो भी मैंने अपने सर्विस को नाम दिया है वो मेरे को यहाँ पे मैंशन करना पड़ेगा। ऑल राइट, यस ये हो गया।
आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. ओ नहीं, यहाँ पे हम लोग को टारगेट पोर्ट ये सेम रखना पड़ेगा. दैट इज कहाँ गया, ये 2701, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोंगो डेटाबेस MongoDB चल रहा है, तो यही पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा. एंड सर्विस किस पोर्ट पे चलेगा वो आप लोग कुछ भी रख सकते हो. ऑलराइट, लेट्स सेव दिस. हाँ, एंड आई थिंक वी आर डन. बस इतना ही करना है हम लोग को. नहीं, यहाँ पे सेलेक्टर में सिंपल ऐप लिखा हुआ है, सो यहाँ पे सेलेक्टर में हम लोग को ये सर्विस किस पे अप्लाई होनी चाहिए, तो ये सर्विस इस पे अप्लाई होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारे कंटेनर का लेबल ये है, तो कंट्रोल सी करूंगा मैं, एंड यहाँ पे ये चेंज करना है. तो जो हमारी सर्विस है इस पॉड पे अप्लाई होनी चाहिए, जिसका लेबल होगा नेम MongoDB. ये लेबल जिस भी पॉड को दिया होगा उस पे सर्विस अप्लाई होगी. ऑल राइट, एंड आई थिंक या वी आर डन. ओके, अप्लाई हम लोग बाद में करेंगे. हम लोग हमारे ये नोड एप्लीकेशन के लिए भी डिप्लॉयमेंट और सर्विस फाइल बना लेते हैं, तो इसको मिनिमाइज करो. अब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, हम लोग फटाक से बना लेंगे. इसके अंदर हम लोग K8S फोल्डर बनाता हूँ, एंड अगेन फाइल का नाम होगा जोक्स API डैश डिप्लॉयमेंट डॉट YAML. एंड एक और फाइल बनाएंगे जोक्स डैश API डैश सर्विस डॉट YAML. अच्छा, सेम होने वाला है. तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल ऐप का डिप्लॉयमेंट था यही कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कहाँ गई, कंट्रोल वी. नाम चेंज कर लेंगे हम लोग. यहाँ पे नाम हम लोग रखते हैं इसको जोक्स डिप्लॉयमेंट. रेप्लिकास, आप लोग कितने इंस्टेंसेस चाहते हो, कितने पॉड्स के इंस्टेंसेस स्पिनअप करना चाहते हो, तो हम लोग 3 या 2 भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद यहाँ पे पॉड को लेबल हम लोग देंगे, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं लेट्स से जोक्स डैश API. एंड यहाँ पे वही सेम लेबल हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, कंट्रोल वी. एंड कंटेनर को नाम हम लोग देंगे जोक्स API कंटेनर. एंड देन इमेज, हाँ अब इमेज तो हम लोगों ने बिल्ड ही नहीं करी हुई है, सो इमेज बिल्ड करते हैं फटाफट से. हाँ, इमेज सबसे पहले बिल्ड करनी पड़ेगी हम लोग को. सो यहाँ पे हमारे पास डॉकर फाइल है. ऑल राइट, सो यस, सो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ. एंड यहाँ पे मैं सो मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे मैं K8 फोल्डर्स के अंदर हूँ. ओके ठीक है. सो डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी फ्लैग. इमेज का नाम दूंगा मैं मुकेश, जो मेरा यूजर नेम है डॉकर अप का. स्लैश इमेज को हम लोग नाम देंगे जोक्स डैश API. पहले यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, डॉकर अप पे जाऊंगा मैं, एंड यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी जोक्स डैश API. ऑल राइट, क्रिएट. ऑल राइट, इट इज डन. जोक्स API एंड अब हमारे डॉकर फाइल का पाथ मेंशन करना पड़ेगा. सो पाथ है करंट डायरेक्टरी में हमारे पास है जोक्स एप डैश मर्न, और इसके अंदर है जोक्स डैश API, एंड इसके अंदर है हमारी डॉकर फाइल. राइट, यस. तो फटाक से बिल्ड कर लेते हैं, एंड इट्स डन. अब हम लोग पुश कर लेते हैं. ऑल राइट, डॉकर हब पे. सो यहाँ पे ये मैं कॉपी करता हूँ. सो आपको पुश करने से पहले लॉग इन करना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने लॉग इन नहीं करा हुआ है तो. मैंने पहले से लॉग इन करा हुआ है, से पुश हो जाएगा. ऑल राइट, अब हम लोग हमारी डिप्लॉयमेंट फाइल कहाँ गई.
ये रही, एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये इमेज मेंशन कर लेते हैं लाइक सो, एंड पोर्ट रहेगा 5000। वेरीफाई कर लेते हैं हमारा एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चल रहा है, 5000 पे, एंड वही हम लोगों ने हमारे डॉकर फाइल से एक्सपोज करा हुआ है तो वही हम लोग को मेंशन करना है। ऑल राइट, ऑसम, दिस इज डन। एंड यहाँ पे हमारी सर्विस फाइल है, अच्छा सर्विस फाइल भी सेम ही रहने वाली है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे सर्विस कंट्रोल वी, यहाँ पे हम लोग सर्विस को नाम दे देते हैं, सो जोक्स डैश एपीआई सर्विस, एंड यहाँ पे सेलेक्टर। अच्छा अभी सर्विस किस पे अप्लाई होगी, सो ये सर्विस अप्लाई होगी जिसका पॉड, जिसका नाम होगा, जिसका लेबल होगा ये, सो वही हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है कंट्रोल वी, एंड टाइप होगा लोड बैलेंसर और टारगेट पोर्ट जहां पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है दैट इज 5000, करेक्टली लिखा हुआ है, एंड ये सर्विस जिस पे चलेगा ये आप लोग कुछ भी रख सकते हो 7000। अच्छा सर्विस इस पोर्ट पे चलेगा, ओके सो या सो इसको हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे लोकल होस्ट 7000 पे। ऑल राइट, क्योंकि ये एक्सटर्नली एक्सटर्नल आईपी एड्रेस यही हम लोग को मिलने वाला है। ऑल राइट या सो वी आर डन, आई थिंक वी आर डन। सो अब हम लोग हमारा नोड और MongoDB का पॉड तो चला सकते हैं। ऑल राइट, रिएक्ट बाद में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अभी इन दोनों को चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारा MongoDB पॉड अप एंड रनिंग कर लेते हैं। सो मैं टाइप करूंगा, देखो यहाँ पे हम लोग को दोनों मैन्युअली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ फोल्डर का नाम मेंशन कर सकते हैं, इट इज KATS, एंड ये दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। राइट, तो ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा क्यूब CTL अप्लाई, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं अपने फोल्डर का मेंशन करूंगा, तो मेरी करंट डायरेक्टरी KATS ट्यूटोरियल है, उसके अंदर जोक्स एप मन जोक्स DB एंड देन KATS, सिर्फ फोल्डर का नाम मेंशन कर रहा हूँ, एंड एंटर करोगे तो आप लोग को दिखेगा कि डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गया और सर्विस भी क्रिएट हो गई। ऑल राइट, सो यहाँ पे अगर आप लोग अब देखोगे अपने सर्विसेज में आओगे, तो यहाँ पे देखोगे कि ये हमारी सर्विस है, एंड टाइप में देखो क्लस्टर आईपी है, एंड ये है उसका आईपी एड्रेस, एंड इंटरनल एंड पॉइंट में देखोगे कि ये जो हम लोगों ने नाम दिया हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एंड पॉइंट में जो हम लोगों ने नाम दिया सर्विस को, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने नोड जैसे एप्लीकेशन में कनेक्शन यूआरएल में यहाँ पे ये नाम मेंशन किया था। बट एक चीज, एंड अल्टीमेटली ये जो नाम है इसी आईपी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। बट यहाँ पे एक चीज मेरे को देख रही है, यहाँ पे पोर्ट 7000 है विच इज इनकरेक्ट, यहाँ पे हम लोग को पोर्ट जिस पे MongoDB चल रहा है वो दिखना चाहिए था। ओके लेट्स सी हम लोग हमारा नोड एप्लीकेशन नोड पॉड भी अप एंड रनिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नोड कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं मोंगो से। सो क्यूब CTL अप्लाई, एंड यहाँ पे हम लोग हमारे फोल्डर का नाम है जोक्स API, JOK जोक्स डैश API। ऑल राइट, एंड दिस इज ऑल्सो डन, लेट्स सी लेट्स गो टू आवर होम पेज, एंड ये हमारे दो इंस्टेंसेस चल रहे हैं पॉड के, एंड वी शुड बी एबल टू एक्सेस आवर एप्लीकेशन दैट सर्विस फाइल से हम लोग, ये लोड बैलेंसर सर्विस है तो हम लोग हमारे नोड एप्लीकेशन को एक्सटर्नली भी एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को देख रहा है कैनॉट गेट, दैट मीन्स कि आवर एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग, हम लोग हमारे एंड पॉइंट का नाम क्या है गेट जोक्स, इस पे जाके देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे गेट जोक्स पे, स्टिल समथिंग इज रॉन्ग, ओके ओके। सो अब हम लोग को डीबग करनी है चीजें, मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ काम नहीं करे ताकि आप लोग डीबग कैसे करते हैं वो भी सीखो। तो समथिंग इज रॉन्ग, और एप्लीकेशन क्रैश हो गया है, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी, मे बी हमारा पॉड क्रैश हुआ है, नहीं क्रैश हुआ है बट स्टिल पॉड क्रैश नहीं हुआ, बट फिर भी हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे एप्लीकेशन। ऑल राइट, सो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट व्हाई। सो ये फाइंड आउट करने के लिए आप लोग को आपके पॉड्स के लॉग चेक करने पड़ेंगे, ओके okay? सो देखो कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आप टाइप करोगे क्यूब CTL गेट पॉड्स। ऑल राइट, यहाँ पे एक पॉड उठाओ जोक्स वाला API वाला आपका, एंड यहाँ पे टाइप करो KUB CTL,
लॉक्स एंड देन पॉड का नाम, एंटर प्रेस करेंगे। सो इफ यू सी, हम लोग मोंगो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आईपी एड्रेस जो यहाँ पे क्लस्टर आईपी में आप लोग को दिख रहा था, सर्विसेज क्लस्टर आईपी, ये रहा वही आईपी एड्रेस है ना ये। हाँ एंड यहाँ पे इस पोर्ट पे, बट ये पोर्ट, देर इज समथिंग रॉन्ग विद द पोर्ट। इस पोर्ट पे एक्चुअली मोंगोडीबी चल नहीं रहा है। सो आई थिंक कि ये हम लोगों ने 7000 जहां पे डाला है सर्विस को भी हम लोग को सेम पोर्ट पे चलाना पड़ेगा। सो ये आओ यहाँ पे, ये जो पोर्ट है इसको कॉपी करो एंड हम लोग को इसको इसी पोर्ट पे चलाना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। सो दिस शुड फिक्स अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैं अगेन फिर से अप्लाई करूंगा जोक्स डीबी स्लैश KTX, एंटर। एंड ये फाइल अनचेंज थी, सर्विस फाइल हमारी कॉन्फ़िगर्ड हो गई। एंड यहाँ पे इस बार ये देखो पोर्ट ये लिखा हुआ है। लेट्स लेट्स नाउ ट्राई टू रिफ्रेश। ऑल राइट, सो हम लोग को लगता है कि मेरे को पॉड फिर से क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि ये क्रैश नहीं हुआ तो रिस्टार्ट नहीं हुआ है। देयर विल बी, मतलब मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई वे होगा रिस्टार्ट करने का, बट आई डोंट नो, आई हैव टू गूगल। बट मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ एंड फिर से अप्लाई करूंगा। यहाँ पे क्यूब सीटीएल जोक्स एपीआई का जो डिप्लॉयमेंट है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ, या सर्विस भी डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट एंड फिर से अप्लाई करूँ, डिलीट एंड देन यहाँ पे फिर से अप्लाई कर लेते हैं फट से। मैन्युअली भी पॉड को रिस्टार्ट करने का वे होगा, आई एम नॉट श्योर, बट देन दिस विल ऑल्सो वर्क, दिस शुड ऑल्सो वर्क। ओके लेट्स सी नाउ। यस, सो नाउ लेट्स, हमारे पॉड्स आर अप एंड रनिंग। लेट्स रिफ्रेश एंड बूम, देयर वी गो। वी कैन सी कि हम लोग को एपीआई से रिस्पॉन्स आया। दैट मीन्स वी आर एबल टू कनेक्ट टू मोंगो डेटाबेस, दैट्स वाई अवर नोड एप्लीकेशन इज वर्किंग। सो अब हम लोग फिर से लॉग्स देख सकते हैं। CTL get pods एंड देन यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे CTL logs एंड यहाँ पे अगर हम लोग पॉड्स के लॉग देखें तो आप लोग को दिख रहा है कनेक्टेड टू मोंगो, यह दिख रहा है। ऑसम awesome. ओके या सो या सो हम लोगों ने नोड और मोंगो डेटा, मोंगो पॉड को अप एंड रन कर लिया है। अब आ रही है रिएक्ट की। ऑलराइट, तो चलो फटाफट से रिएक्ट पॉड को भी चलाते हैं। अच्छा, सो मैंने इसलिए नहीं चलाया था क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जोक्स क्लाइंट में सोर्स के अंदर हमारे पास बेस में हम लोग को एक्सटर्नल एंड पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा जहां पे हमारा ये चल रहा है, नोड जैसा एप्लीकेशन चल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये होगा हमारा बेस यूआरएल। ऑलराइट, ओके या दैट इज डन। अब हम लोग को इमेज बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले फटाफट कर लेते हैं डॉकर इमेज बिल्ड डैश टी फ्लैग, डॉकर हब पे चलते हैं फट से एंड यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। क्रिएट रिपोजिटरी, नाम देंगे जोक्स क्लाइंट क्रिएट एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ स्लैश जोक्स, मेरी रिपॉजिटरी का नाम क्लाइंट एंड देन लोकेशन हमारे डॉकर फाइल की, तो डॉट स्लैश डॉट स्लैश जोक्स एप मर्न एंड देन जोक्स डैश क्लाइंट, राइट, यही है ना लोकेशन। यस, ऑलराइट, सो दिस इज हैपनिंग एंड इट्स डन। सो अब हम लोग फट से पुश कर लेते हैं, कॉपी करूंगा एंड ये फट से हो गया पुश। अब जब तक ये पुश हो रहा है तब तक हम लोग इस क्लाइंट के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं
K8S, ऑल राइट। एंड इसके अंदर फाइल बनाएंगे जोक्स क्लाइंट डॉट यमिल और एक सर्विस फाइल। हाँ ये तो सेम होगा एग्जैक्टली जैसा हमारा ये है, कहाँ गया, एपीआई फोल्डर में जैसा हमारा था वैसा ही होगा। सबसे पहले डिप्लॉयमेंट के अंदर जो भी कोड था कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट। कंटेनर पोर्ट मेरे हिसाब से ऑल राइट। से हमारा ये नहीं, इसका डॉकर फाइल किधर है, रिएक्ट का 3000 पे चल रहा है, ऑल राइट, रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके सो इतने सारे फाइल्स हैं, मेरा भी दिमाग घूम गया, इतने सारे कमांड्स और इतना सब कुछ टाइप कर करके। पोर्ट होगा यहाँ पे 3000, इमेज होगी हमारी जोक्स क्लाइंट, ऑल राइट, जोक्स क्लाइंट है ना, हाँ। एंड उसके बाद जोक्स क्लाइंट इसको नाम दे देते हैं कंटेनर। एंड देन लेबल, सो लेबल जोक्स क्लाइंट अगेन, एंड यही सेम लेबल हम लोग को मेंशन करना है सेलेक्टर के अंदर, ताकि ये डिप्लॉयमेंट इस पॉड को कंट्रोल कर सके। रेप्लिकास में हम लोग एक ही रखते हैं, आपकी इच्छा, आप दो भी स्पिनअप कर सकते हो। बस मोंगो डेटाबेस का रेप्लिका से आपको एक ही रखना है, रिएक्ट का दो मेंशन कर लो, नोट का दो मेंशन कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एंड यहाँ पे जोक्स क्लाइंट डिप्लॉयमेंट नाम दे देते हैं एंड आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट। ऑल राइट दिस इज डन। अब सर्विस फाइल आते हैं, सर्विस फाइल भी कॉपी करेंगे हम लोग, ये वाली नहीं, ये इसमें जो भी है कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। एंड यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे जोक्स क्लाइंट सर्विस एंड यहाँ पे लेबल, लेबल किस स्पॉट पे ही अप्लाई होनी चाहिए सर्विस, सो यहाँ पे स्पॉट पे जिसमें लेबल होगा नेम जोक्स क्लाइंट। यहाँ पे ऑल राइट एंड ये सर्विस चलेगी 7000 पोर्ट पे, हम लोग 7000 पोर्ट पे एक्सेस कर पाएंगे एंड रिएक्ट एप्लीकेशन चल रहा है 3000 पोर्ट पे, इसको भी 3000 पे ही चला लेते हैं, ऑल राइट, कोई टेंशन नहीं है। दोनों पोर्ट, सर्विस का पोर्ट और टारगेट पोर्ट जिस पे एप्लीकेशन चल रहा है दोनों को सेम रखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक इट्स डन, या इट्स डन, वी आर डन। एंड ये हमारी इमेज भी पुश हो गई है ना, रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड यस, टैग लेटेस्ट दिख रहा है मेरे को, ऑसम। सो लेट्स अप्लाई दिस, ऑल राइट। सो सब सही है, लोड बैलेंसर, जोक्स क्लाइंट, क्लाइंट सर्विस, यप सब कुछ सही लग रहा है, जोक्स क्लाइंट। ओके कुछ होगा दिक्कत तो अगेन फिर से डीबग करेंगे चीजों को, कोई टेंशन नहीं है। क्यूब सीटीएल अप्लाई, यहाँ पे जोक्स क्लाइंट एंड K8S फोल्डर, ओके एंटर। सो जोक्स क्लाइंट डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड, सर्विस क्रिएटेड, ओके लेट्स गो टू अवर डैशबोर्ड। जूम हो गया, रीसेट कर देता हूँ, ऑल राइट। से हमारा जोक्स क्लाइंट डिप्लॉयमेंट, ऑल राइट, ऑसम। हमारी सर्विस कहाँ है, ये रही सर्विस के अंदर कौन कौन से पॉड कंट्रोल होते हैं वो दिखेंगे हम लोग को सर्विस के अंदर, ये दो पॉड, एक ही पॉड है, ऑल राइट। ओके सर्विस के जाएंगे तो यहाँ पे ये लोकल होस्ट 3000 से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे एंड अगर आप जाओगे तो ये रहा हमारा प्रोग्रामिंग जोक्स। इसमें हमारे पास शायद एडमिन राउट था जहाँ पे हम लोग ऐड कर सकेंगे, एडमिन से हम लोग जोक्स ऐड कर पाएंगे। लेट्स से जोक KUBER शॉर्ट में लिखते हैं, K8S इज जोक सबमिट एंड K8S इज जोक, देखा दिस इज रियली अ जोक, के क्यूबरनेटीज इज नॉट अ जोक बट इट इज अ जोक, तो ये जोक है, हंसो इस पे।
इसको एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। ऑल राइट, तो मतलब रिफ्रेश करने पे ये डेटा गया नहीं, दैट मीन्स कि डेटाबेस ने हम लोग सक्सेसफुली इसको फेच कर पा रहे हैं। तो आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने नेटवर्क कॉल करा है यहाँ पे, अगर मैं इसको फिल्टर करूं तो ये देखो हम लोगों ने नेटवर्क कॉल करा है एंड ये डिमोंगो डेटाबेस से ही आ रहा है। ऑसम, अमेजिंग। मैं ये पूरा एप्लीकेशन बनाने के बाद अपने आप पे बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हम लोगों ने अचीव कर लिया। अगर आप लोग भी ये कर पाए हो, थोड़ा सा पॉज लो एंड सेलिब्रेट करो, जाओ बियर पियो, पिज्जा ऑर्डर करो, मजे करो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही कठिन चीज सीखी है और अचीव करी है और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखा है। सबको नहीं आती है चीज, आप लोगों ने सीखी है और मैंने भी सीख ली है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने सारी कठिन चीजें सीख ली है, अब कुछ छोटी मोटी चीजें बची हुई है, चलो लगे हाथ उसको भी कवर कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग हमारे एप्लीकेशन में कुछ चीजें हार्ड कोड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ऐप डॉट जेएस खोलूंगा तो यहाँ पे मैंने अपना मोंगो का यूआरएल इधर अपने एप्लीकेशन में हार्ड कोड कर दिया है, बट इस टाइप की चीजें हम लोग हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल फाइल में रखते हैं। राइट, सो हम लोग सीखते हैं कि क्यूबरनेटिस में हम लोग कैसे एनवायरमेंट वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। बड़ा आसान है। आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो डिप्लॉयमेंट वाली फाइल है इसमें आना है एंड यहाँ पे ये जो कंटेनर्स है पोर्ट्स, इसी लेवल पे इस कंटेनर में हम लोग को क्या क्या एनवायरमेंट वेरिएबल ये कंटेनर यूज करेगा वो यहाँ पे डिफाइन कर देने। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है env कोलन एंड दो स्पेस से मैं इंडेंटेशन इंडेंट करूंगा। अगेन दिस इज अगेन एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इसमें है पहला ऑब्जेक्ट एंड इसको हम लोग को देना पड़ेगा नेम। सो नाम होगा हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम क्या होगा, लेट्स से मैं नाम देता हूँ मोंगो अंडरस्कोर URI। ऑलराइट, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे वैल्यू एंड वैल्यू होगी, चलो हमारे एप्लीकेशन में चलते हैं ऐप डॉट जे एस एंड ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी लाइक सो एंड या दिस शुड वर्क। इसको कोट्स में डाल लेते हैं, आई एम नॉट श्योर कोट्स डालना है कि नहीं, एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे देख लेते हैं। env वेरिएबल इन क्यूबरनेटीज, ऑल राइट, यस कोर्स के अंदर डाल सकते हैं। ऑल राइट, हाँ अगेन कुछ फेल होगा तो वापस से फिक्स कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये मोंगो URI हम लोग यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डॉलर, मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर रहा हूँ, प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो URI लाइक सो। अब क्योंकि हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन में चेंज किया तो हम लोग को एक नई इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी, सो फटाफट से अब हम लोग नई इमेज बिल्ड करते हैं और उसको अगेन डॉकर हब पे पुश करेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉकर इमेज बिल्ड एंड देन इस बारी इमेज को जो नाम है उसमें हम लोग एक टैग भी डालना पड़ेगा हम लोग को, हमारा इमेज का नाम क्या है, जोक्स API। सो यहाँ पे हम लोग को टैग डालना पड़ेगा इस बारी, यहाँ पे टैग बाय डिफॉल्ट नहीं डालते हैं तो लेटेस्ट यूज होता है, हम लोग यहाँ पे टैग डालते हैं, लेट्स से कोलन 2 डाल देता हूँ मैं, version 2। ऑलराइट, एंड लोकेशन हमारी इस डॉकर फाइल की लोकेशन, सो यहाँ पे मैं रिलेटिव पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ कोर्स के अंदर डॉट स्लैश मेरी करेंट डायरेक्टरी में एंड यहाँ पे डॉट बस इतना ही पाथ मेंशन करना, जोक्स API। आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट, या लेट्स हिट एंटर। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, ओ डॉकर इमेज बिल्ड -t डैश टी फ्लैग भूल गया मैं, डैश टी। ऑल राइट, एंटर। ऑल राइट, एंड इट्स हैपनिंग। ऑल राइट, दिस इज डन, लेट्स पुश आवर इमेज। सो फट से यहां से मैं कॉपी करता हूं एंड यहां पे
टैग हम लोग का है टू, ये वाली पुश करनी है, एंड एंड पुश हो जा भाई। जब तक ये पुश हो रहा है हम लोग हमारे डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट उठाते हैं। यहाँ पे हम लोग को हमारी इमेज है, यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा। आपके रेफरेंस के लिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, एंड आल शिफ्ट डाउन की डुप्लीकेट करता हूँ, एंड यहाँ पे वर्जन टू डालता हूँ, मतलब कोलन टू, ये वाला टैग हम लोग को यूज करना है इस बारी। ऑलराइट, आप लोग के रेफरेंस के लिए मैं ये लाइन ऑफ कोड लग रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कोई भी टैग नहीं डाला है, मतलब लेटेस्ट वाला इमेज यूज होगा जिसमें टैग लेटेस्ट होगा। ऑलराइट, अगर आप लोग यहाँ पे आप देखोगे डॉकर हब में, तो हमारे पास दो होने चाहिए इसमें वर्जन्स, मतलब टैग्स। एक होगा हमारे पास वर्जन टू, जिसमें कि इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोगों ने हमारे कोड में डाला हुआ है, एंड लेटेस्ट जिसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं डाला हुआ था। ऑलराइट, ओके, सो हम लोग को अब वर्जन टू यूज करना है। ऑलराइट, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। एंड यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट हम लोग को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल। ऑल राइट, हाँ चलो फटाक से कर लेते हैं। या सो क्यूबरनेटिस अप्लाई जोक्स क्लाइंट, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा जोक्स एपी आई, एंटर, एंड दिस इज डन। लेट्स सी, एक बार हम लोग हमारे होम पेज में जाते हैं, एंड पॉड, ये पॉड हमारा स्पिन अप हो रहा है, कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू अगेन एक्सेस आवर एप्लीकेशन, एंड वी विल सी इफ इट इज वर्किंग। ऑलराइट, लेट्स सी, नेटवर्क टैब रिफ्रेश, यप इट इज वर्किंग। ऑलराइट, एक और जोक ऐड करके देख लेते हैं। टेस्ट सबमिट, ऑल राइट, ये परसिस्ट हुआ, मे बी हमारा डेटा परसिस्ट नहीं हो रहा है, वो हम लोग बाद में सीखने वाले हैं। एक और मैं एंट्री मार के देखता हूँ, टेस्ट टू, ऑल राइट, यप इट इज परसिस्टिंग इन आवर डेटाबेस। ऑल राइट, बट अगर MongoDB का कंटेनर शटडाउन हो जाएगा तो डेटा उड़ जाएगा। ऑलराइट, वो हम लोग वो भी प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करेंगे, रुक जाओ, धीरे धीरे एक एक चीजों पे हम लोग आएंगे। ऑलराइट, बट दिस इज वर्किंग। ऑलराइट, अच्छा अब ये एक तरीका है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके एप्लीकेशन में एक ही, जैसे ये जो चीज है वो बहुत जगह पर यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो, अभी हमारे केस में, हमारे एप्लीकेशन में ऐसे कोई केस है नहीं, बट अज्यूम करो कि ये वेरिएबल, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल मेरे को अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में भी यूज करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना पड़ता, फिर से हमारे इस क्लाइंट वाला फोल्डर कहाँ है, क्लाइंट, इस क्लाइंट के डिप्लॉयमेंट के अंदर। ऑलराइट, तो कोड थोड़ा रिपीटेटिव होता, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखने के बजाय एक सेपरेट फाइल में मूव कर सकते हैं, एंड देन उस फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे, एंड देन अगर सपोज वही इन्वायरमेंट वेरिएबल मेरे को अपने क्लाइंट एप्लीकेशन में भी यूज करना होगा, तो उसको भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। ऑल राइट, या सो ऐसे भी केसेस होते हैं, तो उस केस में हम लोग एक कन्फिग मैप फाइल बनाते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज द वन वे। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, हाँ इस पूरे लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट करता हूँ, आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ, एंड यहाँ पे आप लोग सी के अंदर एक मैं फाइल बना रहा हूँ, एंड इसको मैं नाम दूंगा जोक्स एपीआई कन्फिग मैप डॉट YAML, लाइक सो। एंड यहाँ पे मैं अगेन एपीआई वर्जन, वर्जन विल बी V1, एक बार गूगल कर लेते हैं, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, ये रहा मैंने पहले से ही करा हुआ है कन्फिग मैप, एंड यप नो नॉट, दिस इज नॉट द वन, या ये है कन्फिग मैप वर्जन 1, एंड देन ओके, इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कौन टाइप करेगा, कंट्रोल वी। ऑलराइट, वर्जन V1 होगा, काइंड में कन्फिग मैप, मेटा डेटा में हम लोग को नेम देना है इस कन्फिग मैप को, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ जोक्स एपीआई कन्फिग। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप लोग अब अपना जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो और उसकी वैल्यू डाल सकते हो। तो हमारे केस में कहाँ गया हमारा डिप्लॉयमेंट फाइल, एपीआई डिप्लॉयमेंट, ये है हमारा नाम मोंगो यूआरआई,
कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड इसकी वैल्यू ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी लाइक सो। ऑलराइट यस दैट इज डन। सो मेटा डेटा में हम लोगों ने हमारे कॉन्फिगर को नाम दिया एंड उसके बाद एक और की थी हमारे पास डेटा एंड इसमें हम लोग जो भी हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं की वैल्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। अब इस फाइल को बस हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। ऑलराइट यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पे ई एन वी ई एन वी फ्रॉम एंड देन यहाँ पे अगेन दिस इज एन अरे दो स्पेस इंडेंट करूंगा यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कन्फिग मैप आर ई एफ एंड देन हमारे अगेन इसके अंदर इंडेंटेशन करना पड़ेगा नेम एंड यहाँ पे हम लोग को हमारे कन्फिग मैप का नाम नाम जो हम लोगों ने दिया है वो डालना पड़ेगा। नाम दिया हम लोगों ने जोक्स जोक्स एपीआई कन्फिग। ऑलराइट यस दिस शुड वर्क। लेट्स वेरीफाई दिस इज द सिंटैक्स। यही है सिंटैक्स आई एम श्योर। ऑलराइट ई एन वी फ्रॉम कॉन्फ़िग मैप रेफरेंस एंड अगेन दो स्पेस इंडेंटेशन नाम हमारे कॉन्फ़िग मैप का जोक्स एपीआई कॉन्फ़िग। ऑलराइट सो लेट्स अगेन अप्लाई दिस। तो ये मैंने फाइल सेव नहीं करी कंट्रोल एस एंड अगेन सिर्फ फोल्डर का नाम मेंशन करेंगे एंड एंटर एंड इस बार ये कॉन्फ़िग मैप क्रिएट हुआ है एंड ये कॉन्फ़िगर्ड हुआ क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाला। एंड स्टिल अगर हम लोग हमारे डैशबोर्ड पे चाहें एक बार डिप्लॉयमेंट को स्पिनअप हो जाने दो एंड देन फिर से एक बार एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। आई थिंक हो गया। ऑलराइट लेट्स रिफ्रेश। ऑसम अभी भी चीजें काम कर रही है। एक और जोक ऐड कर लेते हैं। टेस्ट थ्री सबमिट। ऑलराइट तो थिंग्स आर वर्किंग। ऑलराइट सो हमारा एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। राइट सो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये जो अभी हमारे जोक्स हैं हम लोग को दिख रहे हैं मतलब डेटा डेटाबेस में परसिस्ट है। बट देन लेट्स से कि अब मैं क्या करता हूं यहां पे मैं टाइप करूंगा क्यूब सी टी एल गेट पॉट्स एंड मैं ये मोंगो पॉट को डिलीट करता हूं। ठीक है डिलीट करूंगा उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट जो है मोंगो का वो अपने आप एक और नया पॉट स्पिनअप कर देगा। So, यहां पे मैं क्यूब सी टी एल डिलीट पॉड एंड देन पॉड का नाम मेंशन करूंगा एंटर करूंगा। सो दिस पॉड विल बी डिलीटेड एंड जो हमारा डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है वो एक नया पॉड स्पिन अप करेगा। सो यप आई थिंक इसने स्पिन अप कर दिया वो वाला पॉड डिलीट हो चुका है। बट अब आप लोग देखो कि अगर मैं यहां पर रिफ्रेश करूं सो डेटा इज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोंगो डेटाबेस है वो एक पॉड के अंदर चल रहा था तो जो डेटा था डेटाबेस में वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम है। ऑलराइट इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है एंड आप लोग जानते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यूजिंग वॉल्यूम्स। तो जिनको नहीं पता वॉल्यूम क्या होता है मैं दो शब्दों में वॉल्यूम डिफाइन कर देता हूं। तो वॉल्यूम एक एम्प्टी फोल्डर या एक स्पेस समझ लो जो हमारे सिस्टम पे कोई फोल्डर हो सकता है या इट कैन बी समवेयर ऑनलाइन ऑल्सो जहां पे हम लोग डेटा रख सकते हैं और वो फोल्डर हमारे कंटेनर के अंदर या पॉट के अंदर नहीं होता है उनके बाहर होता है ताकि कंटेनर या पॉट शटडाउन हो तो फिर भी वो डेटा हमारे पास रहे वो वॉल्यूम हमारे पास रहेगा एंड उस वॉल्यूम को हम लोग सिंक करते हैं उस फोल्डर के साथ जो कंटेनर के अंदर होगा जिसमें जो डेटा हम लोग चाहते हैं कि वो परसिस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हमारा मोंगो डीबी का जो पॉड है वो शटडाउन हो जा रहा है तो डेटा पूरा चले जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा मोंगो डीबी जहां पे भी डेटा स्टोर करता है वो पाथ उठाऊंगा एंड उसको मैं सिंक करूंगा मैं अपने वॉल्यूम के साथ। अब जहां पे भी मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया है मेरे लोकल मशीन पे या समवेयर इन द क्लाउड उसको मैं सिंक करूंगा। तो इससे होगा क्या सिंक करने से कि मेरा मोंगो पॉड शटडाउन हो जाएगा तो डेटा उड़ गया। ठीक है
तो अगर फिर से मैं अपना मोंगो पॉड स्पिन अप करता हूं तो वो चेक करेगा वॉल्यूम में इसमें डेटा है क्या, एंड वो डेटा वापस रिट्रीव हो जाएगा उसी कंटेनर के अंदर। ऑलराइट, तो ये होता है वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें कर ली, प्रैक्टिकली समझते हैं। हाँ, सो यहाँ पे क्यूबरनेटीज में हमारे पास बहुत सा टाइप्स के वॉल्यूम होते हैं, राइट। यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारे पास बहुत टाइप के वॉल्यूम्स हैं, डिपेंडिंग ऑन आप लोग अपना एप्लीकेशन कहाँ पे डिप्लॉय करोगे। हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्रोवाइडर्स भी हैं। मैं एक दो टाइप्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा, सारे टाइप्स के बारे में हम लोग तो डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टाइप है MTDIR, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। इससे क्या होता है, MTDIR वॉल्यूम क्या करेगा, ये जो हमारा वॉल्यूम है ये क्रिएट करेगा पॉड में। ऑलराइट, पॉड के अंदर क्रिएट करेगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉड के अंदर क्रिएट करेगा वॉल्यूम, तो पॉड अगर नया पॉड अगर हम लोग स्पिन अप करें तो फिर से डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो MTDIR वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम का टाइप है, ये नॉन परसिस्टेंट टाइप है। दो टाइप के वॉल्यूम होते हैं क्यूबरनेटीज में, एक होता है नॉन परसिस्टेंट वॉल्यूम या सिर्फ वॉल्यूम आप लोग बोल सकते हो, और एक होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम वो होता है जो पॉड में वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है, पॉड के लाइफ साइकिल से बाहर कहीं पे। ऑलराइट, तो MTDIR एक नॉन परसिस्टेंट वॉल्यूम है। क्यों नॉन परसिस्टेंट वॉल्यूम है? क्योंकि ये जो है वॉल्यूम क्रिएट करता है पॉड में। ऑलराइट, तो भले ही कंटेनर अगर शटडाउन हो जाएगा तो चलेगा, वो डेटा पॉड में रहेगा, बट देन हमारे केस में क्यूबरनेटीज में कंटेनर डायरेक्टली शटडाउन कहाँ होता है, डायरेक्टली पॉड ही तो दूसरा रिप्लेस होता है या रिस्टार्ट होता है। तो उस केस में पॉड रिस्टार्ट होगा तो डेटा उड़ जाएगा। ऑलराइट, तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वॉल्यूम है, बट देन ये एक नॉन परसिस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, ये है एक होस्ट पाथ करके, ये एक परसिस्टेंट वॉल्यूम है। यहाँ पे आप लोग परसिस्टेंट वॉल्यूम्स में भी जा सकते हो एंड देख सकते हो क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास परसिस्टेंट वॉल्यूम में, टाइप्स ऑफ परसिस्टेंट वॉल्यूम में। सो हमारे पास ये सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनमें से होस्ट पाथ। अब होस्ट पाथ ये जो है ये सिंगल नोड के लिए ही है टेस्टिंग ऑनली, राइट। अगर मल्टी क्लोड क्लस्टर है तो उस केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो होस्ट पाथ है ये हमारा वॉल्यूम बनाता है नोड इटसेल्फ पे। ऑलराइट, तो जो डायग्राम आप लोगों को मैंने बताया था, एक बार खोल लेता हूँ वो डायग्राम है, अगर मेरे पास होगा तो वो डायग्राम। ये रहा, तो ये जो हमारे पास नोड होता है, ऑलराइट, ये जो हमारे पास येलो कलर का नोड है, यहाँ इससे बेटर डायग्राम ये है, ये येलो कलर, यहाँ यही खोल दो नोड। तो ये जो हमारा नोड है यहाँ पे कहीं पे एक फाइल क्रिएट कर देगा नोड में। ऑलराइट, लेट्स से स्लैश डेटा, एंड ये जो फाइल है, अब जैसे ये पॉड रिस्टार्ट हो जाता है तो ये नोड तो रहेगा ही। ऑलराइट, नोड तो रहेगा ही, तो नोड में हमेशा डेटा परसिस्ट रहेगा। एंड इस सपोज ये स्लैश डेटा पाथ को हम लोग कंटेनर के अंदर हम लोग किसी पाथ से सिंक कर सकते हैं, लेट्स से DB या जो भी पाथ जहां पे भी MongoDB डेटा स्टोर करता है उसे सिंक कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, बट ये जो होस्ट पाथ है ये सिंगल नोड के लिए काम करेगा। हमारे केस में हम लोग यूज कर रहे हैं डॉकर डेस्कटॉप, एंड डॉकर डेस्कटॉप अगर आप लिखोगे या अगर आप मिनी क्यूब भी यूज कर रहे हो तो वो एक सिंगल नोड क्लस्टर ही प्रोवाइड करता है। तो हमारे केस में दिस इज फाइन, बट देन अगर आप एप्लीकेशन जहां पे भी डिप्लॉय करोगे उसके हिसाब से आप लोग को दूसरा वॉल्यूम चूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास एक और वॉल्यूम होता है जहां पे भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे AWS पे, तो उस केस में हमारे पास AWS इलास्टिक समथिंग लाइक दैट नाम होता है, मेरे को नाम पता नहीं है। CSI यूज कर सकते हो, CSI, जैसे AWS CSI सर्च करते हैं, AWS CSI ड्राइवर, हाँ, तो आपको ड्राइवर बस चाहिए रहेगा, तो आप CSI यूज कर सकते हो, आप थोड़ी और रिसर्च कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका काम इस CSI टाइप से चल जाएगा। ऑलराइट, तो आप लोग को ड्राइवर मिल जाएगा जहां पे भी आप लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे। यहाँ पे Amazon इलास्टिक स्टोर
ये आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ यहाँ पे आप लोग अपना वॉल्यूम रख सकते हो। ऑल राइट, अगर आप गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हो तो उसका ड्राइवर आपको मिल जाएगा, आप एज्योर पे डिप्लॉय कर रहे हो तो उसका ड्राइवर मिल जाएगा, जहां पे भी आप लोग वॉल्यूम रखना चाहते हो, कहीं पे ऑनलाइन रखना चाहते हो, तो उस हिसाब से उसको उसका CSI ड्राइवर मिल जाएगा। तो आप CSI यूज कर सकते हो अगर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे या वॉल्यूम जहां पे भी ऑनलाइन रखना चाहो उस केस में। अच्छा, तो हमारे केस में हम लोग होस्ट पास यूज करेंगे। ऑल राइट, ओके, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को तीन चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। ओके, लेट्स मिनिमाइज एवरीथिंग। एंड यहाँ पे क्यूबरनेटीज केएक्स के अंदर हम लोग को तीन चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। ओके, फाइन। सबसे पहले हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा एक परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट, या मैं, हाँ, परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं इसको। मैं नाम देता हूँ लेट्स से होस्ट pv.yaml। ऑल राइट, हाँ। सो पहली चीज इसमें हम लोग लिखेंगे API वर्जन, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। API, अरे एप्स नहीं, स्लिप v1। उसके बाद काइंड, काइंड में होगा वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम, PERSISTENT, स्पेलिंग चेक करना। एंड मेटा डेटा में हम लोग को इसको नाम देना पड़ेगा इसको। सो नाम हम लोग दे देते हैं, जो फाइल का नाम हम लोगों ने दिया है होस्ट पाथ है, तो इसलिए होस्ट परसिस्टेंट वॉल्यूम शॉर्ट में PV लिख रहा हूँ। एंड देन स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में ये परसिस्टेंट वॉल्यूम की टोटल जो भी फोल्डर होगा या हार्ड डिस्क समझ लो, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। सो CAPACITY कैपेसिटी, एंड लेट्स से, एंड उसके अंदर स्टोरेज STORAGE स्टोरेज, एंड 1 GB। तो क्या क्या अवेलेबल यूनिट्स हैं आप लोग सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टोरेज के केसेस में हम लोग गीगाबाइट्स का यूज कर सकते हैं, तो मैंने 1 GB मैं अपने इस फोल्डर की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी रखा। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे वॉल्यूम मोड होता है, वॉल्यूम एक और ऑप्शन डालना पड़ेगा, वॉल्यूम मोड, एंड दिस विल बी फाइल सिस्टम। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ये कैमल के सिंह वी शायद स्मॉल रहता है, एक बार देख लेते हैं। यप, यस, वी स्मॉल रहता है। वॉल्यूम फाइल सिस्टम, ओके, स्टोरेज नेम, और क्या बचा, और एक्सेस मोड, हाँ एक्सेस मोड भी डालना पड़ेगा। अब एक्सेस मोड के बारे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ, कौन टाइप करेगा। एक्सेस मोड में हमारे पास है दो स्पेस सेगमेंटेशन, रीड राइट वंस, मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, एंड देन टाइप हमारे वॉल्यूम का टाइप तो वो है होस्ट पाथ, एंड देन पाथ स्पेसिफाई करेंगे। अब पाथ आप लोग अपने नोड पे क्या फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो लेट्स से डेटा, कोई भी रिजर्व पाथ मत यूज करना, बट ये या कोई भी रैंडम नाम दे सकते हो, एनी दैट इज फाइन। ओके, एंड यहाँ पे टाइप, सो अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्रिएट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टरी और क्रिएट। अच्छा, मैं क्या बता रहा था एक्सेस मोड के बारे में, ठीक है। तो एक्सेस मोड में मैं बता देता हूँ क्या क्या अलग अलग ऑप्शन हैं। तो एक्सेस मोड में हम लोगों ने डाला है रीड राइट वंस, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये वॉल्यूम है ये अलाउ मल्टीपल पॉट टू एक्सेस द वॉल्यूम। ऑल राइट, सेम नोड, तो हमारा जो वॉल्यूम है एक नोड में क्रिएट होगा, तो मल्टीपल पॉड एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी वांट। हमारा सिंगल नोड क्लस्टर है, तो हमारे पास एक ही नोड है और उस नोड के अंदर मल्टीपल पॉड चलेंगे, तो सारे जो मल्टीपल पॉड है वॉल्यूम को एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए हम लोग रीड राइट वंस यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास रीड ओनली मेनी, तो वॉल्यूम कैन बी माउंटेड एज रीड ओनली बाय मेनी नोड्स, तो उसको अलग अलग नोड हमारे एक्सेस कर पाएंगे उस वॉल्यूम को, बट हमारे केस में एक ही नोड है और नोड्स तो है ही नहीं,
ऑल राइट, एंड उसके बाद है रीड राइट। इसमें रीड राइट दोनों चीजें कर पाएंगे, अगेन मैनी नोड्स, अलग अलग नोड्स, हमारे केस में तो हमारे पास और नोड है ही नहीं, एक ही नोड है। और उसके बाद है रीड राइट वन स्पॉट। सो ये क्या करता है, वॉल्यूम कैन बी माउंटेड एट रीड राइट बाय सिंगल पॉड, सिर्फ एक ही पॉड उसको एक्सेस कर पाएगा, बट हमारे केस में तो मल्टीपल पॉड भी हो सकते हैं, मल्टीपल पॉड एक नोड के अंदर चलते हैं ऑब्वियसली, तो हमारे केस में यही ऑप्शन रीड राइट वन सी बेस्ट ऑप्शन है। ऑल राइट अच्छा हाँ दैट इज डन। या सो हम लोगों ने परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑल राइट, अब इस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम मैंने 1 GB स्टोरेज क्रिएट कर ली है, ऑल राइट, अपने नोट नोट पे, अपने नोट पे, हाँ अपने नोट पे मैंने 1 GB की स्टोरेज क्रिएट कर लिया। अब मेरे को ये जो स्टोरेज मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया है, ये अगर मेरे को अपने कंटेनर में यूज करना है, अपने पॉड में यूज करना है, ऑल राइट, तो मेरे को परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑल राइट, आई विल रिपीट, अगर मेरे को ये परसिस्टेंट वॉल्यूम 1 GB का मेरे को यूज करना है अपने पॉड के अंदर, तो मेरे को परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो ये करने के लिए ये वॉल्यूम को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग को एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम ऑब्जेक्ट। ओके यस, सो यहां पे हम लोग बनाएंगे मोंगो मोंगो PVC परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम डॉट YAML। ऑल राइट हाँ, बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है, बट ये लास्ट है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, API वर्जन, और यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा क्लेम। ऑल राइट, एंड यहाँ पे होस्ट PVC नाम दे देता हूँ, या मैं इससे अच्छा है पूरा अच्छा नाम दे देता हूँ, मोंगो PVC। हाँ ये ठीक है, मोंगो DB PVC। कैपेसिटी यहाँ पे इस बार ही हम लोग को इसमें इसमें बहुत इसमें एक्सेस मोड को छोड़ के बाकी सब नहीं चाहिए, एक्सेस मोड रीड राइट वंस ही रहेगा। एंड देन इसके बाद हम लोग को कुछ और चीजें डिफाइन करें करनी पड़ेंगी, दैट इज कि वॉल्यूम नेम, नेम तो कौन सा वॉल्यूम हम लोग को यूज करना है, तो हम लोग को ये वाला वॉल्यूम यूज करना है होस्ट PV, तो ये सेम नाम हम लोग को यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा, होस्ट PV ये वाला वॉल्यूम यूज करना है। एंड इसके बाद रिसोर्सेस रिक्वेस्ट, कितने गीगाबाइट्स के लिए आप लोग को रिक्वेस्ट करना है, इस ये पॉड कितने गीगाबाइट्स का रिक्वेस्ट करना चाहता है जब क्लेम करेगा। ऑल राइट, तो हम लोग हमारा हमारे पास टोटल स्पेस कितनी है, 1 GB है, तो हम लोग 1 GB या तो मैक्सिमम 1 GB तक के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे 0.5 GB से रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट हम लोग पूरा ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्या जाएगा पूरा ही खा जाएंगे हम लोग, तो रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे अगेन दो स्पेस इंडेंटेशन है, स्टोरेज एंड 1 GB। ओके आई थिंक यप दैट इज इट, दैट्स प्रीटी मच इट, सब सही। ऑल राइट ऑल राइट, तो हम लोगों ने PVC क्रिएट कर ली। PVC क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को ये वॉल्यूम यूज करना है, तो हम लोग को हमारे पॉड से परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो हम लोग हमारे वॉल्यूम में 1 GB स्पेस थी, तो हम लोगों ने पूरी पूरी वही मांग ली है। ऑल राइट, रिक्वेस्ट करते वक्त। ओके सो अब अपना, ऑल राइट, तो दोनों मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं, गलत फोल्डर नहीं है हमारा DB है, हाँ सही फोल्डर है, हाँ डेटाबेस रिलेटेड, ये हमारा वॉल्यूम डेटाबेस से रिलेटेड है, तो इसलिए जोक्स DB फोल्डर के अंदर मैं फाइल्स बनाया हूँ। हाँ अब ये भी हमारा डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर अब मेरे को कंटेनर, ये जो मेरा कहाँ गया कंटेनर है,
इसी में इस वॉल्यूम को यूज करना है, राइट? या पॉड है, ये जो पॉड है इसी में मेरे को वॉल्यूम यूज करना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इसी लाइन में, इसी लाइन में हम लोग को लिखना पड़ेगा। हाँ तो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम्स, वी ओ एल यू वॉल्यूम्स, एंड अगेन दिस इज एन अरे, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस पे इंडेंटेशन, वॉल्यूम को क्या नाम देना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो मोंगो डीबी डैश एस टी ओ आर ए जी स्टोरेज, ऑल राइट। एंड देन परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये वॉल्यूम के लिए आप परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो यहाँ पे आप हम लोग को यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम पी स्मॉल रहेगा, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, एंड देन यहाँ पे क्लेम नेम डालना पड़ेगा। नेम, क्लेम का नाम क्या है हमारा, ये MongoDB PVC, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी लाइक सो। एंड या एक और चीज, ये तो हम लोगों ने परसिस्टेंट वॉल्यूज, अब मैंने ये अपने पॉड में डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट में, मतलब अपने पॉड में मैंने ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। ऑलराइट, अब हम लोग को मिल जाएगा 1 GB का स्पेस हमारे नोट पे। ओके अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे हम लोग को नोट में, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है स्लैश डेटा, ये फोल्डर क्रिएट होगा। अब ये फोल्डर मेरे को सिंक करना है उस फोल्डर से जहां पे MongoDB अपना डेटा स्टोर करता है कंटेनर के अंदर। ऑलराइट, तो वो लिखना है हम लोग को, कोड अभी बचा हुआ है। ऑलराइट, तो वो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा वॉल्यूम माउंट्स। ऑलराइट, अगेन दिस इज एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे हम लोग को नाम डालना पड़ेगा। तो नाम यही सेम रहना चाहिए, ये वॉल्यूम को जो हम लोगों ने नाम दिया है सेम होना चाहिए। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे माउंट पाथ, MOUNT पाथ, तो यहाँ पे MongoDB जो डेटा स्टोर करता है वो कंटेनर के अंदर, उसका पाथ है डेटा स्लैश DB। और इस पाथ को आप लोग कुछ भी नाम नहीं दे सकते, MongoDB इसी इसी पाथ के अंदर डेटा स्टोर करता है, वॉल्यूम माउंट्स। ऑल राइट, सो वी आर डन। ऑल राइट, दैट्स प्रिटी मच, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वॉल्यूम, बट देन वी आर डन, दैट इज हाउ इट इज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट देन दैट इज हाउ इट इज, राइट? इसमें मैंने को पूरी कोशिश किया कि हर एक चीज एक्सप्लेन करूं, बट ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम एंड ये वॉल्यूम माउंट्स, एंड ये सारी चीजें हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, ओके, वी आर डन। ओके चलो, अब ये अप्लाई करते हैं, फटाफट से अप्लाई करेंगे। अप्लाई यहाँ पे जोक्स DB। ऑलराइट, ओके, समथिंग इज रॉन्ग, इट सीम्स समथिंग इज रॉन्ग विथ रिसोर्सेस रिक्वेस्ट परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम में। आई थिंक आई फॉरगॉट टू एड वन स्पेस हियर, रिक्वेस्ट मे बी, यस लेट्स सेव दिस, फिर से अप्लाई करेंगे। ओके, इस बारी किसमें आया है, स्पेक टेम्पलेट वॉल्यूम्स, ओके माय बैड, इस बार तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया टाइपो किया है। हाँ, सो टाइपो अगेन, इंडेंटेशन इंडेंटेशन इनकरेक्ट है, समझ में आ गया। सो ये जो है स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन है हमारा पॉड का, राइट? तो ये कंटेनर के लेवल पे आना चाहिए वॉल्यूम्स, तो इसको मैं इंडेंटेशन करेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, अब ये स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर आता है हमारा कंटेनर, ये इसके अंदर कंटेनर से रिलेटेड डिटेल्स, एंड ये पूरा पूरा पॉड के अंदर, पॉड से रिलेटेड डिटेल्स। तो ये स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम स्पेसिफिकेशन के अंदर आना चाहिए, स्पेसिफिकेशन के लेवल में हम लोग को नहीं रखना है। ऑल राइट, यस, ऑल राइट, लेट्स अप्लाई अगेन एंड
सक्सेसफुली अप्लाई हो गया, चार फाइल्स अफेक्टेड हुए। एंड लेट्स गो टू आवर डैशबोर्ड एंड सी। ओके समथिंग इज फेलिंग इट सीम्स। ये है मैसेज, जीरो नोट्स अवेलेबल, परसिस्टेंट वॉल्यूम, ये सेटअप नहीं हुआ है, क्लेम सक्सेसफुल नहीं हुआ है, स्टेटस इसका पेंडिंग है। कुछ हम लोग मिस कर गए हैं, लेट मी सी वॉल्यूम मोड एक्सेस। ओके आई थिंक एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, हम लोग को टाइप करना पड़ेगा क्यूब CTL गेट स्टोरेज क्लास, एंड डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास हमारा ये डॉकर डेस्कटॉप यूज करता है होस्ट पाथ, तो हम लोग को भी ये यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम मोड के नीचे आप लोग को स्टोरेज क्लास डालना पड़ेगा, जो भी डिफॉल्ट आपका यूज करता होगा, तो आप ये कमांड टाइप कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा होस्ट पाथ, तो स्टोरेज क्लास नेम आप लोग को यूज करना है। ऑलराइट ऑसम, सो या दिस शुड फिक्स द इशू। अगेन आपको मैं सारा कोड देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से उठा लेना। या सो लेट्स अप्लाई अगेन। ऑलराइट नाउ दिस शुड वर्क, वेयर इज अवर परसिस्टेंट क्लेम पेंडिंग, नाउ दिस शुड वर्क। ऑलराइट सो ओके, डिलीट करके फिर से एक बार मैं सारे चीजें डिलीट करता हूँ जो भी हमारे जोक्स डीबी के अंदर है। ऑलराइट एंड एक बार फिर से अप्लाई करो। ऑलराइट ऑसम, ऑलराइट नाउ यू सी ग्रीन आ गया हमारे पास आइकन। ऑलराइट एंड होम पे जाएं, सो एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग। ऑलराइट नाउ वी कैन टेस्ट आवर एप्लीकेशन। ओके सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एडमिन पे जाऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम इज डन एंड डस्टेड, सबमिट, एंड ये अब स्टोर हो चुका होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उड़ाऊंगा अपने डेटाबेस से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा kubectl गेट पॉड्स, एंड यहाँ पे मैं मोंगो का पॉड जो उड़ाने वाला हूँ, सो यहाँ पे kubectl डिलीट पॉड, एंड ये मोंगो का पॉड उड़ा देंगे, उड़ गया। अब डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट कर देगा पॉड, ये देखो इसने क्रिएट कर दिया है, बट इट्स स्टिल इट्स क्रिएटिंग स्टेज में, अभी अप एंड रनिंग नहीं है। एक बार फिर से करते हैं गेट पॉड्स, नाउ इट इज अप एंड रनिंग, बट नाउ लेट्स इफ वी रिफ्रेश आवर एप्लीकेशन वॉल्यूम इज डन इज स्टिल देयर। दैट मींस कि हम लोगों ने हमारा कंटेनर डिलीट किया, फिर से नया कंटेनर स्पिन अप किया, नॉट कंटेनर पॉड स्पिन अप किया, स्टिल डेटा इज देयर। ऑलराइट अच्छा, अब अगर आपको आपको अपनी वर्क स्पेस क्लीन करनी है तो आप टाइप कर सकते हो क्यूब, आपको जो भी क्यूबरनेटिस में जो भी आप लोगों ने पॉड डिप्लॉयमेंट दुनिया भर की चीजें क्रिएट की है, आप लोग टाइप कर सकते हो क्यूब CTL डिलीट ऑल डैश डैश ऑल, आई थिंक यही कमांड होता है ना, क्यूब CTL डिलीट ऑल क्यूब CTL डिलीट ऑल डैश डैश ऑल, यस ये आप टाइप कर सकते हो, एंड इससे सब उड़ जाएगा, जो भी दुनिया भर की चीजें हम लोगों ने क्रिएट की है सब उड़ जाएगा। ऑल राइट एंड आपका वर्क स्पेस क्लीन हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।